अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह नौ में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा कराची से क्योंकि नशर होता है और आप देख रहे हैं, और कराची की सूरत हाल या जो प्रिडिक्शंस बारिश के हवाले से हैं, पूरे मुल्क के हवाले से हैं, बल्कि पिछले 10 दिन से जो हमारे पड़ोसी मुल्क में खसूसी तौर पर बॉम्बे में बारिशें हो रही हैं, बल्कि मुंबई अब तो उसका रीसेंट नाम है ऑब्वियसली, तो वहां जिस तरह बारिशें हो रही हैं, जिस तरह तबाही हो रही है, और फिर क्योंकि हम उनके पड़ोसी हैं, वो मौसम के असरात भी कुछ उसी तरह से हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास भी अल्लाह खैर करे, लेकिन प्रिडिक्शन यही है कि आई रिमेम्बर कि कुछ 4-5 साल पहले इस तरह की बारिश हुई थी कि सड़कों पर इतना पानी था जैसे समंदर बना हुआ था और गाड़ियां उसमें नहीं निकल सकती थी, कोई गाड़ी नहीं निकली थी। अभी भी इस तरह की प्रिडिक्शन की जा रही है, और कल किसी ने एक जुमला कहा कि इस बार 100% बारिश होने वाली है, यानी पहले तो रुक रुक के होती है, गरज चमक के साथ हुई, फिर रुक गई या कुछ। अब इसका जो पूरी सूरत हाल है उसके बारे में आज हम प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट को हम फोन कॉल पे लें और हम सब जान सकें कि आगे आने वाले 2-3 दिन कैसे गुजरेंगे। जिन लोगों ने जानवर लेने जाना था कुर्बानी का, वो भी अब नहीं गए हैं, कुछ लोग ले आए हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रही कि अगर इस तरह की बारिश हो गई तो क्या सूरत हाल होगी। फिर ईद के दिनों में, खासतौर पर ईद कुर्बा में, तो वैसे ही हम गंदगी और बाकी चीजों को लेकर इतने कंसर्न होते हैं, जब बारिश भी हो जाएगी तो क्या हालात रहेंगे, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भी आज खबरों पर बात होगी, उसके साथ साथ आज इंटर और मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को भी हम कुछ देर बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जरा रिजल्ट पे बात होगी, तो माँ बाप तैयार हो जाएं, इस दफा रिजल्ट कैसा आया, क्या हुआ, कहाँ लूप होल्स थे, कहाँ ऐसी कोई बात थी जिसके बारे में आप मालूम करना चाहते हैं। सेकेंड हाफ में हमारे कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, और मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर के मुख्तलिफ टीम्स अब बन रही हैं हमारे यंगस्टर्स की, हमारे यूथ की, जो एक दूसरे को ट्रेन करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, वो सब क्या है वो हमें नेक्स्ट आवर में पता चलेगा। इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ सामने मौजूद हैं उन्हें यहाँ मधु करते हैं। पहले मिर्जा इश्तियाक बेग साहब को हम खुश आमदेद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? यंगस्टर्स को आपने पहले हाफ में भी बुलाया, और ये वाले सूट के बाद तो मेरे ख्याल में आपने सही कहा, इस कलर के बाद तो यंगस्टर बन जाते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी मुबशर मीर साहब, द फेमस जर्नलिस्ट, और काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो मुझे रफ्ता रफ्ता पता चला, बड़े पेश रहते हैं, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? थैंक यू। कल इन्होंने ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया सी पैक के ऊपर, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम दिया। ओके, मुबारकबाद दूंगा जी, इंतजाम आल्सो द स्पीकर, बड़ा अच्छा। अच्छा, इससे पहले कि हम खबरों की तरफ आएं, ऑब्वियसली जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो मौसम है, और मौसम के हवाले से हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ फोन कॉल पे इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑब्वियसली ये सवाल तो वही है रूटीन का जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रेडिक्शंस बहुत आ रही हैं अखबारों में और टेलीविजन पर, हम मुख्तलिफ खबरें सुन रहे हैं, लेकिन आप मुस्तनद खबर हमें दे दें कि आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह के हालात होंगे, बारिशों की क्या सीक्वेंस होगी, या हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बस कोई ऐसी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, गरज चमक के साथ बारिश होने जा रही है। 3 दिन हमने दिए, बुध, जुमरात, जुम्मा, और आज बुध हो गया है। अगर आप कराची का आसमान देखें तो आपको नजर आ रहा होगा काफी क्लाउड्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा था हो रही थी उसी रोड, लेकिन अभी अच्छी तेज बारिश शुरू नहीं हुई कराची में, लेकिन हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कल और परसों 2 दिन और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बुध, जुमरात और जुम्मा, 3 दिन बारिश देख रहे हैं, और उसके बाद सैटरडे को मेरा ख्याल है सिस्टम जो है लाइट एंड डीजल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें बकरीद होगी, हल्का हो जाएगा। इसके बाद जो आपने की कि जो होता है ह्यूमर को मूव कर रही है इसमें सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं इसमें बता दूं कि सदाकत नहीं है, किसी ने मुझे कहा समुद्री तूफान बन गया है, ट्रैफिक हिट करने वाला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई तूफान नहीं है, ये सिर्फ एक लो प्रेशर एरिया है, मानसून का एक लो है जो कि हमें बारिश देने आ रहा है, और इससे पहले इंडिया में भी बारिश दे रहा था, इसके बाद से कल बम्बई में बहुत अच्छी बारिश दी, और अब ग्राज का रुख हमारी तरफ है तो कुछ हमें भी बारिश मिलेगी इंशाल्लाह, तो कोई समंदर में अच्छा, तूफान नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जी इस तरह का पानी होगा कि गाड़ियां डूब जाएंगी, और इस तरह का सड़कों पर इस तरह की बारिश होगी कि हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए अच्छी खासी बारिश मुंबई में होगी इसी सिस्टम से, जो थोड़ा सा कमजोर भी होगा, फिर यह कि बाकी सिस्टम का मुकाबला थोड़ा तगड़ा इसलिए है कि समंदर के ऊपर मौजूद है, तो गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का इम्कान है। और मैंने शायद कल अर्ज किया था कि अर्बन फ्लडिंग एक इसलाह हम इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके नदी नालों में जो निकास के रास्ते हैं ना पानी के, अगर वो खुले हैं फिर तो परेशानी की बात नहीं है, अगर इंतजामी ने इंतजाम कर लिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो बंद है नदी नालियों में जाने वाले रास्ते, वहां पर वो स्टॉक है, उस सूरत में फिर शहर में अर्बन फ्लडिंग की शक्ल हो सकती है, आपका दरिया
इंडिया का मंदिर पेश करे, आपके रोड जो है वो शाहराह फैसल या यूनिवर्सिटी रोड जो है काफी सारी खड़ा हो गया बहुत ज्यादा, इसके इम्कान है, लेकिन इसकी वजह मैंने बता दी कि वो नालियां अगर चौक होंगी तो ऐसा होगा। ठीक है, मैं एक बात मैं हाँ और अर्ज कर दूँ कि आंधी आने का भी इम्कान है, क्योंकि जब गरज चम्मच से बारिश आने वाली होती तो उससे पहले आंधी आती है, देर आवाज चली हुई है, तो मेरा शहरियों को यह मशवरा है कि जब ऐसी आंधी लगे आनंदाला हो जाता है, अंधेरी छा जाती है, बारिश शुरू होगी तेज हवा चलती है, गर्दों को पार उड़ता है, उसको अगर आप बिजली की तारों से दूर रहें, खंभों से दूर रहें, पुराने के पेड़ों से पोशीदा इमारतों से दूर रहें, उसके बाद जब तेज बारिश शुरू हो जाती है फिर आंधी थम जाती है, फिर बारिश शुरू हो जाती है, फिर कोई मसला नहीं आपको बाहर निकलने में, आप इनको एंजॉय भी कर सकते हैं, तो आंधी भी आ सकती है। गरज चम्मक के साथ तेज बारिश है 3 दिन तक जुमरा जुम्मा, इसके अलावा कोई समंदर में तूफान नहीं और कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़े एक चीज ऐड करूंगा, अगर डॉक्टर ये कहता है कि पेन ज्यादा नहीं होगा तो पेन काफी होता है, आज इन्होंने भी ये बातें की, परेशानी की ज्यादा बात नहीं है, मगर आंधी बता दी, पानी भी हो सकता है, आंधी भी आ सकती है, करंट भी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि तूफान नहीं होगा, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि तूफान होगा, समुद्री तूफान नहीं है, लेकिन जो आंधी भी आती है आजकल वो किसी तूफान से कम नहीं होती, दरख्त गिर जाते हैं, गाड़ियां टकरा जाती हैं और मसले हो जाते हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई पिछले दिनों, तो वो भी किसी तूफान से कम नहीं होती। उसकी ये प्रोग्राम में ये बातें बताने का बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि आप कोई एहतियाती तदाबीर ना करें, अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे खासतौर पे वो जो स्कूल जा रहे होते हैं और वैन्स में जा रहे होते हैं उनकी मुझे ज्यादा परेशानी होती है कि पता नहीं क्या सूरत हाल हो किस तरह, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। खबरों की तरफ आ जाते हैं और सबसे पहले आपका कॉलम, आपने तो कुछ बात कर दी है, थैंक यू के बारे में बात, मुबशर साहब आप भी इससे जरा पहले एक्सप्लेन कर दें, और आपने कहा है कि अमरीकी नारवा सलूक के जिम्मेदार हम खुद। हाँ जी, हुआ ये मिस्टर, इसको मैंने काफी इस पर रिसर्च किया है जी, और मैंने ये बताया कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दी है जो बहुत ही डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, कभी भी कोई प्रेसिडेंट इस तरीके से किसी मुल्क को एक्यूज नहीं करता जब तक कि उसके पास सबूत नहीं हो, मगर उसमें हर चीज के हमारे पाकिस्तान के इल्जाम लगाए हैं, और इसमें मैंने एक मिसाल दी है, वो मैं चाह रहा हूँ कि अपने देखने वाले भी दें, कि टर्की के अंदर जब अमेरिका दाखिल होना चाहता था इराक के अंदर, तो उन्होंने टर्की से यह कहा कि हम आपको $20 बिलियन देंगे, आप हमें अपने कंट्री से लैंड रूट्स दे दें और फजाई हदूद दे दें, और टर्की ने उनको मना कर दिया। तो बाद में जब वो कुवैत के जरिए जाके काबिज हो गया तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुम लोग बेवकूफी नहीं थी कि $20 बिलियन आपको मिल रहे थे, तो उनके वजीर आजम ने उंगली उठा के कहा कि हम नहीं चाहते थे कि आने वाली नस्लें कल टर्की की तरफ नजर उंगली उठा के ये कहें कि हमारे मुल्क पे जो काबिज अफवाज थी यहाँ से होके आई थी। दिस इज अ सोच ऑफ ए लीडर। हमारा क्या हुआ कि जब अमेरिका ने फोन किया तो हमने उनको अपने फजाई अड्डे दे दिए, हमने अपने जमीनी अड्डे उनको दिए कि आप हमारे यहाँ से गुजर के वो लोग अफगानिस्तान के अंदर गए, हमने उनके सफीर को कर दिया, हमने 600 आदमियों को अलकायदा का कह के उनको कर दिया, ड्रोन जो थे वो हमारे यहाँ से करते रहे, B-52 के लिए हमने अपने आप को अवेलेबल किया। अच्छा, मजे की चीज ये है कि एक अश्योरेंस हम उनसे ये मांगते हैं कि जी हम सब कुछ कर रहे हैं, कल जब आप काबिज होंगे अफगानिस्तान पे तो आप इंडिया को एक्सेस नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, जब सब कुछ हो गया हमारे घर से गुजर के सब कुछ करके, उन्होंने जनाब कारजई को लॉन्च किया और वो वहां पे लेके आके उसने क्या किया, इंडिया को बिठा दिया, और फिर इंडिया ने क्या किया कि बलूचिस्तान ने पूरे अपने कॉन्सुलेट बना दिए, रॉ के एजेंट आ गया और उन्होंने बलूचिस्तान में वो कर दी, बरमदास बुख्ती जो था उसको ले जाके अपने पास रख लिया, तमाम हो गया। तो इस पूरे गेम के अंदर जो है इतनी बड़ी हमसे गलती हुई है, आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो मुशर्रफ के साथ होते थे उन्होंने ये कहा है कि हमसे ये कहा गया था कि नहीं, आई मीन हम इनको न्यूट्रल रहेंगे हम, और उसके बाद इस तरह की चीजें की गई हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक आदमी ने सिर्फ अपने इख्तदार को तूल देने के लिए इतनी ज्यादा हमने अमेरिकन्स को वो किया। अच्छा, अमेरिकन्स मशहूर हैं कि वो अपनी आंखें बदलते हैं, जब उनका वक्त निकल जाता है आंखें बदल लेते हैं, और अब उन्होंने क्या किया कि अपने, ऑन रिकॉर्ड है ना। हाँ जी बिल्कुल है, और अब ये हुआ है कि पाकिस्तान की मिसाल एक सैंडविच की तरह हो गई है, दो दुश्मन हो गए हैं, एक इंडिया और एक अफगानिस्तान। अभी कुछ अर्से पहले तो कहा जाता था ना, आई रिमेम्बर कुछ अर्से पहले जब तब्जी होते थे तो कहा जाता था कि उसको इस खत्ते का चौधरी बनाने का प्लान बिल्कुल, है। हाँ जी, अब वो प्लान उस तरह से पूरा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में दोबारा से कभी कभी ये प्लान कर उठा। मैं आपको ऐड करूंगा कि कुछ अर्से पहले मेरी दोस्त से मुलाकात हुई, वहाँ पे कमर्शियल काउंसलर वो रहा है, उसने कहा इश्तियार मैं इंडियन में भी मैं वहाँ पे जॉब करता था, मैंने जो हेट्रेड वहाँ पे लोगों को देखी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ नजर उठा के वो कह रहे हैं उंगली करके
कि यहाँ से आए थे हमारे यहाँ काबिज होने वाले जो लोग, तो लीडर को जी ये आगे की सोचनी चाहिए। अच्छा, ये जो आज आपने एक्सप्लेन किया ना, बहुत से लोगों को, अगर वैसे तो काफी अवेयर हमारे लोग हैं, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मेरे ख्याल में वो जो आपने कनेक्टिविटी उसमें बुनी है और अपने अल्फाज के जरिए अपने कॉलम में बताई है, तो बहुत से लोगों को वो समझ आ जाएगी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और हम किस तरह से खुद जिम्मेदार हैं। मुबशर साहब, आप भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। एक चीज तो ये है कि जो चीजों का देख साहब ने जिक्र किया है उसमें एक चीज बड़ी हैरानगुन है, जो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन की हिस्ट्री है कि जो चीजें बाद में हमारे ऊपर रिवील होती हैं कि ये चीज ऐसे हो गई थी, हम जो देखते हैं कि इसका कोई प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं नजर आता कि अगर ऐसा हुआ था तो उसको प्रॉपर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में अलाउ किया गया कि था या जबानी जमा खर्च हुआ था। हम अगर उस वाक्य से इसका आगाज करें जो पिशावर से U2 त्यारा जो है वो रशिया ने मार गिराया और एक रिलेशनशिप हमारा रशिया के साथ खराब हुआ, तो उसके बाद अगर जियाउल हक साहब के जमाने में अफगान वॉर का तआवुन देखें, फिर उसके बाद अगर 9/11 के बाद का तआवुन देखें, तो हमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि हमने बाकायदा कोई तआवुन का कोई एग्रीमेंट किया था और उसकी कोई शरायत थी। सब कुछ अगर जबानी होता है, बल्कि एक दफा तो ये भी आ गया था हमारे ISPR के जो सरबराह थे उन्होंने इस चीज का और उसपे बड़े एडिटोरियल लिखे गए थे कि ये तो पीनट्स के इवज जो है वो तावन हुआ है, और उसको बड़ा जो है उन्होंने अमेरिका की उस रवैये को बड़ा क्रिटिसाइज किया था। और प्लस अगर वो चीज अगर हम वो एयर बेस की बात करते हैं तो वो भी हमें ये जबानी अगर चीजें तावन के लिए दो मुल्कों के दरमियान जो जब बायलैटरल रिलेशन होते हैं और या कोई बातचीत होती है तो उसको कहीं पे लिखा जाता है और उसका कोई कहीं डिस्कशन होती है, किसी लेवल पे, किसी लेवल पे उसका फैसला होता है। जाता कि आप हर चीज के एक पता नहीं होता, अच्छा आप ये भी कर लो, अच्छा आप ये भी कर लो, अच्छा यही इसी तरह की कैफियत बाज दफा हमें अपने और बहुत से ऐसे ममालिक जो अरब दोस्त हमारे यहाँ पे आके शिकार खेलने आते हैं उस हवाले से भी हमें मिलती है। सिर्फ अमरीका की बात नहीं है, सॉरी मैं इसको जरा थोड़ा सा मुझे कम्प्लीट करने दें कि ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है कि मसलन वो अगर आते हैं तो वो किस प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। तो लिहाजा हमें ये जरूर देखना चाहिए कि ये जो दोस्ती है, जो कंट्री टू कंट्री दोस्ती होती है, बायलैटरल रिलेशन होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं और इक्वल लेवल पे होते हैं। इक्वल लेवल पे होते हैं और उसका चाहिए। अगर कोई फायदा होना है, बार बार मुझे बताया जा रहा है बलोचिस्तान से कॉलर है, वेट कर रहे हैं, इसका फायदा जो है ना इंडिविजुअल को नहीं अवाम को मुल्क को होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ अबू जर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाले इस्लाम जी मोहतरमा, मैं अबू जर मंदूखे दर्ज कर रहा हूँ जो बलूचिस्तान से। हाँ जी, ये आज इश्तियाक बेग साहब का जो कॉलम आया है, असल में बात ये है हम लोग खुद ही कंफ्यूज है, कम्प्लेक्स में है पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारी जो लीडरशिप है भाई, यहाँ पे अगर बलूचिस्तान को लिया जाए, यहाँ पे अगर डैम बना दिए जाए, मैं तो आपको लिख के देता हूँ, हम बलूचिस्तान पाकिस्तान को छोड़े हम पूरे एशिया को चला सकते हैं। बिजली में, आपकी जो एग्रीकल्चर में अभी हम जो प्रोडक्शन करें कोई 80 अरब रुपए आ रहे कंट्री को मिल रहा है एग्रीकल्चर कीमत में। नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बलूचिस्तान की कॉम्पिटेंसी पे तो हमने सवाल ही नहीं किया। हम तो कहते हैं बलूचिस्तान में रिजर्व है हमारे, बलूचिस्तान में अब CPAC देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट काम बलूचिस्तान में ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान के लिए तो हमारा दिल उसी तरह धड़कता है जैसे किसी और सूबे या शहर के लिए है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि किस किस चीज को किस तरह से जोड़ा गया और अपने लिए ही बुराई पैदा की गई। अबू जर साहब है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी, इनकी बात करने से क्योंकि ये किसी को नहीं लगना चाहिए कि हमने कोई बलूचिस्तान के हवाले से या उसके खिलाफ बात की, बल्कि हमने कोई बात नहीं की, हमने तो सिर्फ ये बताया कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे और वो हम कराची के लिए भी कहते हैं, जब टारगेट किलिंग होती थी, जब इस तरह के मसाइल थे, तो यहाँ पर भी पॉइंट्स थे। बिल्कुल रॉन्ग क्या था, कराची में एजेंट्स को हायर किया हुआ था, कराची को एक सेकंड में पैरालाइज कर देते थे, यहाँ के कुछ लोग थे उनको वो लोग फाइनेंसिंग कर रहे थे, तो हमने कोई वो ये नहीं कहा है मतलब। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तरक्की होनी चाहिए वहाँ पे, तरक्की होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि बड़ा पसमांदा जो है मतलब हमारा है और वहाँ पे वो तरक्की नहीं हुई जो वो डिजर्व करता है, डिजर्व करते हैं, और पोटेंशियल बहुत है ना, जिस तरह उन्होंने कहा रिजल्ट की हम बात करते हैं और इस तरह की चीजें, और देखिए ये अल्लाह ताला करने वाले हैं, लेकिन CPAC का कितना बड़ा है, ये जिस दिन तकमील हो गया तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान का एक इंकलाब आएगा वहाँ पे, ये रीढ़ की हड्डी बन जाएगा ना हमारी।
और रीढ़ की हड्डी अगर बलोचिस्तान में, तो आप देख लीजिए ना आप कितने अहम है। हमारे साथ एक और कॉलर है, फिर मैं खबर शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ वसीम साहब हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम बात कर रहा हूँ, उसका आदेश वसीमी साहब। सलाम जी। हेलो जी। जी आपकी आवाज आ रही है वसीम साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में असल में जितने भी डिक्टेटर आए हैं ना, मुशरफ समेत, उजाला समेत, अयूब खान समेत, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, वह पहुंचाया है मुशरफ ने। और मुशरफ में आप देखें कि यानी डॉक्टर आसिया समेत सैकड़ों लोगों को बेचा है, मतलब उसके अवैध पैसे भी लिए हैं। और कहा तो ये जाता है कि बाकायदा तस्वीर मुशरफ सिर्फ पाकिस्तान का मुजरिम नहीं है, वो मुसलमानों का मुजरिम है, और उसको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। इसने पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर पहुंचाने में मुशरफ का जितना बड़ा रोल है, किसी भी डिक्टेटर का रोल नहीं है। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और खैर ये बहस तलब गुफ्तगू है, और मेरे ख्याल में ये किसी दिन हम मौजूद छेड़ेंगे तो इस पर जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट फारूक सत्तार साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन ये कंसर्न सप्ताह कराची आइट्स का खासतौर पर है कि मर्दम शुमारी के नतज मुकम्मल मुस्तरद 10 सितंबर को एहतजाजी रैली निकालेंगे। रैली निकालने पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो मर्दम शुमारी के नतज आए हैं इसको लेकर काफी परेशान सूरत हाल है, या लोग काफी परेशान हो रहे हैं कि अगर हम 2.5 करोड़ हुआ करते थे पहले और अब मर्दम शुमारी हुई है तो हम 1 करोड़ और कुछ हो गए हैं, ये कराची का है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, पहले तो एक बहुत खुश आइन बात है कि 18-19 साल बाद मर्दम शुमारी हुई है। हमारे आइन में ये है कि हर 10 साल बाद जो है वो आइन, हमारा आइन ये कहता है कि हर 10 साल बाद हो, इस बार 19 साल। और ये भी क्रेडिट नवाज शरीफ की हुकूमत को जाता है कि इसके पहले जो मर्दम शुमारी हुई थी वो भी नवाज शरीफ ने कराई थी, अच्छा इस प्रोसेस के अंदर हमेशा फौज को जो शामिल किया जाता है उसका मेन मकसद यही होता है कि तमाम पार्टीज जो हैं उसको एक्सेप्ट करें। एक न्यूट्रल इदारा है कि वो क्यों मतलब करेंगे। सबसे पहले जो वरीसम बात है वो ये, हमारी 2.4% हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है पर ईयर, और जबकि इंडिया में आप देखेंगे कि हाफ है इसका। बांग्लादेश जैसा कंट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा पैदाइश वगैरह होती है उसके अंदर भी कम है। तो हमारा ये जो एक सिनारियो है जो 2.4 है ये इतना खतरनाक है जिस पे कोई नहीं सोच रहा। हम ज्यादा बात की कर रहे हैं कि हमारी शहरों की, अभी कुछ अर्से पहले एक खबर आई थी और मैंने उनको सुना भी था, वो ये कह रहे हैं कि कराची में जो आबादी कम दिखाई दे रही है उसकी वजह यह है कि हमने कराची को एज ए सिटी अलग लिया है और आउटस्कर्ट्स जो जगह हैं उनको मतलब हमने रूरल एरिया में तस्वर किया है और सिर्फ कराची सिटी को अर्बन में किया है। जबकि लाहौर में उन्होंने क्या किया है कि कोई वहां पे आउटस्कर्ट है ही नहीं, या कोई अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया पूरा रूरल एरिया उन्होंने कोई लिया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से शायद इस वजह से भी कुछ इस तरह आई है। मगर अब इसके अंदर मेरे ख्याल ये है कि जो फौज के पास भी इसका तमाम डेटा मौजूद है, फौज को ये चाहिए क्योंकि उनके आदमी इसमें इंक्लूड थे, सर्टिफाई करें। नहीं, देवर इन्वॉल्व एक्टिवली, इनफैक्ट फौज ने कंडक्ट किया ये, हमारे आदमी तो उनको एड्रेस कर रहे थे। ये तो जाहिर है उनके तरफ से ही ज्यादा बेहतर पता चल सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर उनका ये स्टांस भी आया है कि देवर सुपरवाइजिंग इट। एक कॉलर है, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैं कोयटा मस्तूम से बात कर, हेलो आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, कोयटा से आप बात कर रहे हैं? कोयटे से सक्री से खुद ही मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, बात यह है कि इन ये अफगान माजरियों का जितना असर हमारे बलूचिस्तान में पड़ी है, गलत मनफी, ये लोग सारे भरे हुए हैं काबुली गाड़ियों से, हमारे ट्रैफिक को बहुत परेशान किया इन्होंने बगैर कागजात वाले, और दूसरा जो है गलत चीजें ला रहा है, हम लोगों को परेशान कर रहा है। जितना कोयटे को परेशान किया है अफगान माजरियों ने, मेरे ख्याल में कोयटे में कहीं भी इन लोगों को परेशान नहीं किया है। फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया है, टेंड दिया है, लहजा कैंड दी, इसको टेंड न दे, इसको निकाल ले ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सके अपने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉइंट को भी कहीं मौका मिला तो जरूर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ये अच्छी बात है कि आज बलोचिस्तान से इतनी कॉल, वो बलोचिस्तान की बात कर रही है, सब लोग जो हैं वो बड़े इस वक्त बड़े, मगर अच्छी बात है भाई, अपने मुल्क के लिए और अपने इलाके के लिए इस तरह कंसर्न होना चाहिए। अच्छा ये जो अब कराची के हवाले से जो खासतौर पे जो एहतजाज की बात हो रही है,
इसमें एक चीज तो यह है कि ये तो सब मान रहे हैं कि ये इब्तदाई रिपोर्ट है, अभी इसकी तफसीली रिपोर्ट आनी है, तो जिसमें मेरा ख्याल ये पता चलेगा कि इसमें कौन सी चीज शामिल होगी, हुई है और कौन सी नहीं। मेरा ख्याल है कि एलियंस शायद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि जो कराची में एलियंस की बड़ी तादाद है वो मरीख के एलियन नहीं है। इसी दुनिया के मसल ये है कि यहाँ पे अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने कहा कि क्वेटा में भी उनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, तो यहाँ पे तो बहुत से ऐसे आपके कराची के आउटस्कर्ट्स ऐसे हैं शायद जो दही इलाके शामिल नहीं किए गए, तो अगर कराची के आउटस्कर्ट्स को देखें तो वहाँ पे बहुत सी अफगान इलाकों की बात हो रही थी कि वो शामिल नहीं किए गए हैं, तो एक तो वो है, फिर के अलावा यहाँ पे बहुत से बंगाली फैमिलीज भी इन यानी के लाखों में है, ठीक है, बहुत से जो सियासी जलसे भरे जाते हैं ना उन्हीं से भरे जाते हैं, फिर उसके अलावा यहाँ पे बर्मीज की एक बड़ी तादाद है, तो ये तीन का तो एक काफी हद तक है कि ये लोग बहुत बड़ी तादाद में, अच्छा नजर बहुत कम आते हैं बर्मीज, लेकिन जो फिशरीज का काम करने वाले हैं वो इब्राहिम हैदी या इस तरह के इलाकों में इनकी बड़ी तादाद है, वो सॉर्ट आउट करने में वो सारे उनकी लेबर जो है वो काम करती है, अच्छा वो भी नुसरत बहुत से लोग जो है इलीगल है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर एलियंस की तादाद अगर जो है वो मिलियंस में है तो उसको भी देखा जाए कि वो शामिल नहीं किए गए, तो जिस वक्त इसकी एक तफसीली रिपोर्ट हमारे सामने आएगी कि कौन से एरिया शामिल हैं, कौन से लोग इसमें नहीं हैं और कौन से वो डिफरेंट, क्योंकि जो नादरा ने जो एलियंस की रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया है उसके लिए पहले अलहदा इदारा था नारा, तो फिर वो जो उसमें कुछ लोग रजिस्टर्ड हुए थे लेकिन बहुत से लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो लिहाजा मेरा ख्याल एक तो उसको देखना चाहिए, लेकिन यह है कि जो फार्मूला है आबादी के लिहाज से शहरी का बढ़ती का, है हाँ बढ़ती है बढ़ती है, अच्छा जो एक चीज और है कि आप ये देखें कि माइग्रेशन कितनी है, कराची में माइग्रेशन बढ़ी है और लोग दो जगह रजिस्टर्ड भी बार दफा हो जाते हैं, तो वो सिस्टम को देखना पड़ेगा कि एक बंदा है, बहुत से लोग हैं जिनके वोट अपने गांव में है वो रहते कराची में, या उनका जो है वो इस तरह के लोग केपीके के भी हैं यहाँ पे बहुत से जिनका उधर सारा रजिस्टर्ड हुआ है लेकिन वो यहाँ रहते हैं, इसी तरह पंजाब के हैं, तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा ना क्लियर करना चाहिए ताकि आपकी अगली नशिस्त में हम शेयर करेंगे, क्योंकि इस वक्त को वक्त खत्म हो गया है हमारे पास। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स के हवाले से, उनके रिजल्ट के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि निहायत ही कनेक्टेड और मुस्तनद मेहमान इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। इतनी नचना
वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगी तो बहुत सारे खुद आपके जहन में सवाल भी आ जाएंगे। आई एम श्योर आपके बहुत से ऐसी कॉल्स होंगी, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आप जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी तो मजबूर हो जाएंगे आप कॉल करने पर। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम खुश आमदेद कहते हैं प्रोफेसर इनाम अहमद, चेयरमैन इंटर बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सईदुद्दीन साहब, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक हैं आप? बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का, आप लोगों ने वक्त निकाला। और आजकल जो मीडिया पे ओवरऑल कैंपेन चली हुई है, या वैसे भी हम जब हम भी पढ़ते होते थे कॉलेज में या जब अपने छोटों को भी देख रहे हैं, तो हर दफा हर कोई बात कर देता है रिजल्ट को लेकर, बड़े कंसर्न्स होते हैं। और आजकल मीडिया पे बड़ी तेजी में, एक फुटेज में दिखाया गया कि तेजी से चेकिंग हो रही है एंड दैट्स इट, मतलब कोई खास देखा नहीं जा रहा कि रिजल्ट किस तरह के मार्क्स दिए जाएंगे या किस तरह का कंटेंट पेपर में लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें हमारे बोर्ड के 2017 के इम्तहान जब से शुरू हुए एनुअल एग्जामिनेशन, उस वक्त से एक कैंपेन चलाई जा रही है मुसलसल, और हमारे तालिब इल्मों के दरमियान बद एतमादी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ओके। दरअसल 2016 के इम्तहानात में जो कुछ भी हुआ था और जिस तरह से मुख्तलिफ एजेंसीज ने उन लोगों को पकड़ा जो मुख्तलिफ करप्शन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, तो अब इस साल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने न सिर्फ असेसमेंट का मेयार बहुत ज्यादा बेहतर किया है, बल्कि तमाम जो अब रिजल्ट हमारे आज भी हम अनाउंस करने जा रहे हैं प्री मेडिकल का, वो इंतहाई म्यारी रिजल्ट्स होंगे इस दफा। असल में हुआ क्या है कि इन लोगों ने मुख्तलिफ मीडिया चैनल से खबरें चलाई कि जी कापीज बड़ी तेजी के साथ लोग चेक कर रहे हैं, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा हो रहा है। असल में हुआ क्या है कि लास्ट ईयर जिन बच्चों ने 80% मार्क्स लिए थे, हो सकता है कि वो इस साल 60% पे आ जाए, क्योंकि कोई करप्शन नहीं हुई है। अच्छा चले, अगर अगर वो कैमरा की आंख से कैप्चर कर ही लिया गया है कि तेजी से मार्किंग हो रही है जी, जी। तो वो एमसीक्यूज की हो रही होगी शायद? नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वो पहले से एक राह हमवार ये कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट बच्चों के कम आए ना, ये असेसमेंट का मेयार इनका उसको समझे, ये कैंपेन चलाई जाए ठीक है, ये ताकि वो पहले से जवाब पैदा कर सकें कि ये जो असेसमेंट थी गलत हुई है, इसलिए बच्चों के मार्क्स। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, जितने लोग हैं जो असेसमेंट कर रहे हैं वो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं? हमारे जो असेसमेंट होती है उस बहुत सीनियर प्रोफेसर 20 ग्रेड के प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट के होते हैं, 19 ग्रेड के प्रोफेसर 18 ग्रेड के प्रोफेसर करते हैं, वो ऐसी गैर जिम्मेदारी कर ही नहीं सकते। ये सब फैब्रिकेटेड मूवी वीडियोज हैं जिनका मकसद अपने पिछले क्राइम्स को छुपाना है, अपने पिछले क्राइम्स को छुपाना है। ओके, इस पे आगे भी बढ़ेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई चीज क्लियर करना चाहते हैं तो आज आप कॉल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का मेडिकल का रिजल्ट आज आ रहा है, और उससे पहले अभी कोई अभी मैंने होम इकोनॉमिक्स और स्पेशल एजुकेशन जो थी सब सब की तरफ मूव ऑन करने से पहले एक चीज बता दें, सारे रिजल्ट में से चाहे मेडिकल है या अभी आगे कॉमर्स भी आ जाएगा और भी चीजें हैं या होम इकोनॉमिक्स आया है, सबसे कम पासिंग परसेंटेज कौन से रिजल्ट में है? सबसे कम अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी नहीं कहा जा सकता, या आप डराना नहीं चाह रहे हैं? कॉन्फिडेंशियल भी है सर, ठीक है इस वक्त में कुछ भी। अच्छा ओके भाई, कॉन्फिडेंशियल है ये, चलिए आप लोग बच गए, बचत हो गई, वरना आप लोगों को पता चल जाता और उसके बाद डर रहे होते सारे स्टूडेंट्स। सर आप सईदुद्दीन साहब, आपसे अब हम ऑब्वियसली द सेम क्वेश्चन में जानना चाहूंगी कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये भी समझते हैं कि जिस स्कूल से स्टूडेंट का ताल्लुक है या जिस इदारे से इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट का ताल्लुक है वो भी बहुत काउंट करता है उसे अच्छे मार्क्स दिलवाने में, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी जिन स्कूलों की पोजीशन आई वो उतने हाई फाई स्कूल नहीं थे जिसमें लोग एडमिशन के लिए परेशान होते हैं। ओके। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे स्टूडेंट कहीं भी हो सकते हैं, और सिर्फ स्कूली की मेहनत नहीं बल्कि बच्चे की अपनी जो मेहनत है, जो क्यूरियोसिटी है, बच्चे की अपनी जो इंटेलिजेंसी है वो असल में मैटर करती है। और इस दफा तो इंशाल्लाह तकरीबन सिंध के तमाम ही बोर्डों में
और खासतौर पर मैं कराची का जिक्र करूँ तो अलहम्दुलिल्लाह 100% ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा। और अच्छे रिजल्ट हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि इनाम साहब की बात को मैं सपोर्ट करूंगा कि हमारे रिजल्ट 78% पासिंग होते थे, उससे वो कम होके 72% हो गए। ओके। तो अगर मतलब करप्शन का रेट ज्यादा हो तो पासिंग रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो मतलब ट्रांसपेरेंसी आ रही है और बहुत बेहतर। अच्छा, इस लेवल पर तो ट्रांसपेरेंसी आ गई, लेकिन जैसे ही रिजल्ट मिलेगा फिर स्क्रूटनी में लोग जाएंगे और उसके बाद बहुत से लोग पास आउट हो जाते हैं या बाद में बड़े सारे प्रोसीजर्स जिनके बारे में हम सुनते रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा होता हो, लेकिन सुना यही जाता है कि जी बाद में फिर अगर पहले रिजल्ट आ भी गया है तो बाद में फिर नंबर चेंज हो जाते हैं या अंदर यू नो मिल मिला के कोई मुखमुखा हो जाता है। जी, जी, जी। ऐसा नहीं है, स्क्रूटनी का एक प्रोसेस है। देखिए हमारे जो रिजल्ट होते हैं, अब मैट्रिक बोर्ड में 3.5 लाख बच्चे, अब जब इतने सारे बच्चों का रिजल्ट आता है तो उसमें जब टीचर 3.5 लाख कापियां एक्सेस करते हैं तो डेफिनेटली कहीं कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे टीचर को एट पार कोई एक जैसी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है। और ना टीचर इतने विलिंग हैं असेसमेंट करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जो बहुत अच्छे टीचर हैं उनकी और मसरूफियत है, तो हमें बाय हुक एंड क्रूक या बाय उनको प्रोफेशनल की तौर पर कि भाई आप तो जरूर चेक कीजिए, तो कहीं कहीं ओवरलुक हो जाता है, तो उसकी वजह से स्क्रूटनी होती है। अच्छा, स्क्रूटनी में भी बोर्ड स्क्रूटनी नहीं करता, एक कॉम्पिटेंट टीचर को बुलाते हैं, एक सीनियर टीचर को बुलाते हैं, वो बच्चों की कापी देख लेता है। ठीक है। क्योंकि जाहिर है किसी भी कोर्ट में अपील का हक तो हासिल होता है, तो इस वजह से वो चंद सौ बच्चों को उसमें बेनिफिट होता है, वो भी थ्रू टीचर होता है। और अगर उसमें वो क्लियर ना हो उसको तो उसको भी रिजल्ट दे दिया जाता है कि भाई देयर इज नो चेंज इन योर मार्क्स। ठीक है। अब मैं जरा पेपर पे बात करना चाहूंगी, जो पेपर्स पास्ट पेपर्स या 5 ईयर्स होते हैं और उसी तर्ज का आज भी पेपर आ रहा है या उसमें कोई तब्दीली आई है, आप लोग सोचते हैं कि जिद्दत आनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए या वही सिस्टम चला आ रहा है? लेकिन उससे पहले कॉलर है एहसन साहब, वो कुछ बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और आपके आने वाले मेहमानों को, सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा प्रोफेसर सईद साहब और इनाम साहब, माशाल्लाह इन्होंने अपने तौर पे तो काबिशें की और एक बात मैंने भी देखी है, माशाल्लाह अपने घर में भी के जिन बच्चों ने लग के जज्बे से मेहनत की ईमानदारी से कि बहरहाल उनके नंबर आए हैं और अच्छे दारों में पहुंचे हैं। अच्छा, लेकिन मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि हमेशा 9th क्लास और 1st ईयर का रिजल्ट क्यों देर में आता है, क्योंकि अगर वो रिजल्ट जल्दी आ जाए तो जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे उनमें एक जोश और जज्बा पैदा हो जाएगा 10th और 2nd ईयर के लिए, दूसरे वो अगर कम होंगे तो वो और इसलाह कर लेंगे। दूसरी बात ये कि जैसे मार्कशीट बच्चों की मिलती है, एक दुनिया में सिस्टम आ गया ऑनलाइन, तो रिजल्ट अनाउंस होते ही क्या बच्चा इंटरनेट या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन अपने मार्क्स देख सकेगा? थैंक यू सो मच, दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं इनके। जी, 1st ईयर का आप बता दें, 9th का आप बता दें। देखिए, हमारे जो बच्चे हो गए सबसे पहले तो उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया हुआ होता है। ठीक है। तो हम पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग इंटर के रिजल्ट निकालते हैं, 1st ईयर के बच्चों को कहीं अप्लाई नहीं करना होता, इसलिए उनको आखिर में हम रखते हैं। ठीक है। तो इस वक्त हमारी तमाम तरजीह, तमाम हमारी जो मिशनरी है वो इंटर के रिजल्ट निकालने में लगी हुई है। सब मेडिकल अभी प्री इंजीनियरिंग इंटर प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट हो चुका है एनईटी का, तो हम अब फौरी तौर पे कोशिश करेंगे कि ईद के बाद इंजीनियरिंग का रिजल्ट निकाल दें। अच्छा, और ऑनलाइन रिजल्ट की जो इन्होंने बात की, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है या हो सकेगा नियर फ्यूचर में? बदकिस्मती से हमारे जो बोर्ड्स हैं ना, उनमें जो कंप्यूटर के लोग हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और अब माजी में कोई काम नहीं हुआ। अगर आप दूसरे बोर्ड्स को देखें, पाकिस्तान के इस्लामाबाद का बोर्ड देखें या पंजाब के देखें, या कि वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं, तो हमारे पास क्यों ये मसला हुआ? ये बड़ी बदकिस्मती है कि जहाँ पे हम लोग बहुत अफसरान की वजह से और डिसीशन मेकिंग की वजह से तवज्जो ही नहीं दी, मगर अब हम लोग तवज्जो देंगे, हम दे रहे हैं इसकी तरफ और इंशाल्लाह इसके नतीजे जल्द आ गए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर अमले में कैपेबिलिटी नहीं है तो कैपेबल लोगों को भी तो मुतारफ कराना चाहिए ना इदारे में, तो क्योंकि जिद्दत तो आपको बाहर चाहिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसमें नए लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद जाके जो है ना हम ये
कर सब कुछ कर सके। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और होपफुली जो दोनों क्वेश्चन है बड़े रिलीवेंट भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। जी एक बात यह है कि नाइन्थ का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का देर से आता है, बात वही है कि बच्चों को कैप पॉलिसी के तहत फर्स्ट ईयर में जाना होता है, इसलिए मैट्रिक का रिजल्ट हम जल्दी निकालते हैं, लेकिन आई डू एग्री कि नाइन्थ का रिजल्ट जल्दी आना चाहिए और इंशाल्लाह मैं इनसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे 10 साल से नाइन्थ का रिजल्ट नवंबर में आ रहा है इंशाल्लाह इस साल उसे काफी पहले आ जाएगा, काफी पहले आ जाएगा। और दूसरी जो ऑनलाइन की बात की है, इस दफा हमने जो 8583 सर्विस मुतारिफ कराई थी SMS की, उसमें बच्चे के मार्क्स भी कुल आ जाते थे। अगर इनका मतलब ये है कि पूरी मार्कशीट आ जाए तो डेफिनेटली होपफुली हम उस पैटर्न पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीजें नहीं हुई हैं। मुझे याद है कि वो मैं आपको काफी पुरानी बात बता रही हूँ, 10 साल पहले की, कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हम लोग रिजल्ट देखते थे तो एक नंबर भी था, उस पर सिर्फ कॉल करते थे और वहां से कंप्यूटराइज आवाज आती थी और पता चल जाता था कि आपका रिजल्ट क्या है। तो हमारे पास तो ऐसी जिद्दत भी है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है और उस तरफ मूव ऑन करने की जरूरत है। पेपर में मैं आपसे बात करना चाहती थी कि पेपर की जो एक मखसूस शक्ल है इंटरमीडिएट में हर सब्जेक्ट में या नाइन्थ मैट्रिक में, क्या उसमें भी तब्दीली आप लेकर आएंगे ताकि ज्यादा एप्टीट्यूड स्टूडेंट का मालूम हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस पर इक्तफा करते हैं कि पुराने 5 साल में ऐसा ऐसा हुआ, तो शायद इसी तर्ज का पेपर इस दफा भी आ जाएगा। नहीं देखिए, अभी लास्ट ईयर 2017 के एग्जामिनेशन में हमने कुछ तब्दीलियां की थी, ठीक है, और ये आइंदा भी हम देख सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे भी जरूरत होगी हम उसमें चेंजेस करेंगे, मगर हम कोई बड़ी चेंजेस अभी नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पेपर का क्वालिटी उसको इम्प्रूव करें, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बोर्ड के जो पेपर की क्वालिटी उसको दूसरे बोर्ड्स भी अप्रिशिएट करते हैं। ओके, अच्छी हमारी क्वालिटी कराची की पेपर्स कम आया। एक कॉलर है, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिफ सोनी बात कर रहा हूँ। आज से मैंने MDCAT के पेपर के बारे में बात करनी थी आपसे। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो USS वालों को यानी के ये वेबसाइट पे दिया वो देना नहीं चाहिए, रिजल्ट वेबसाइट पे देना नहीं चाहिए ना, जो सिलेबस उन्होंने दिया बच्चों को तैयारी करने के लिए ना, वो सिलेबस नहीं। एक मिनट, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आप किस की बात कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मैट्रिक किस की बात कर रहे हैं? MDCAT पेपर एंट्री टेस्ट जो हुआ ना अभी, एंट्री टेस्ट मेडिकल का। अच्छा, क्योंकि एंट्री टेस्ट से तो इन लोगों का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, ये इस वक्त हमारे पास चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं, चेयरमैन इंटर बोर्ड हैं, तो हम उस हवाले से बात कर सकते हैं, इन दो लेवल्स के हवाले से। एंट्री टेस्ट के बारे में जो ये अभी बता रहे थे कि 20th ग्रेड या 21st ग्रेड के जितने भी एजुकेशन का ऑफिसर है वो सब यानी कि अच्छे होते हैं, यानी कि इक्वल यानी कि सारी यानी कि उनकी होती है, आपको इनकी बात। तो इसके लिहाज से मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि USS में भी जो 20 और 21 ग्रेड के जितने भी ऑफिसर है उन्होंने ये सब कुछ किया, तो उसके हवाले से यानी कि किसी ने भी यहाँ तक यानी कि कोई आवाज नहीं उठाई। ऑफिसर्स ने किया क्या है 20 और 21 ग्रेड वालों ने, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, कहाँ एंट्री टेस्ट और कहाँ 21-20 ग्रेड के ऑफिसर, क्या आप लोगों को पैनल पे समझ आ रही है इनकी बात, तो मुझे बता दें। नहीं देखिए, हमारी जो आपका सवाल एक तो थोड़ा सा टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, आप दोबारा कॉल कीजिएगा। हमारे साथ आफ्ताब साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बात कर रहे हैं तो जी जी सर बताइए। तो अभी फोन तो मैंने दूसरी किया है, मेरी उर्दू भी कमजोर होगी, आप माइंड ना करें। मेरा चेयरमैन साहब से सवाल है कि ये जो बस टीचर होते हैं वो ठेकेदार होते हैं, हर इम्तिहान में उसकी ड्यूटी लग जाती है, तो क्या कराची में भी ऐसा होता है कि पीछे में तो यही चल रहा है, क्या किसकी ड्यूटी लग जाती है? समझ आ गया। ठीक है, ऑन एयर जवाब दे देते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसा है कि टीचर्स की एक लिस्ट होती है और बहुत सारे टीचर तो विलिंग ही नहीं होते हैं ड्यूटीज करने के लिए, और उनमें जो विलिंग टीचर्स होते हैं तो वो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं कि उन विलिंग टीचर्स को लगाएं, लेकिन ये आपकी बात सही है कि जो हर साल ड्यूटी करते हैं उनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए कि वो कहीं उनका इंटरेस्ट तो नहीं है कि वो हर दफा ड्यूटी करना चाहते, डेफिनेटली हमने भी ये एक, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं करना चाहते हैं क्वेटा में, तो हमें जबरदस्ती बुलाया जाता है, वहाँ बहुत लोग कम है तो वो बोर्ड
तो जो है वो कंडक्टिंग बॉडी है और वो उसके पास अपना स्टाफ भी थोड़ा होता है, वो तो सारा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पे इंसार करते हैं। ओके, वी हैव अ कॉलर, हमारे साथ कर्नल वसीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुलाकात हुई थी मेरी दादा भाई यूनिवर्सिटी में। जी, शोर हुई होगी, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं इस वक्त भी फायदा उठा रहा हूँ जो आई हुई आपके बोर्ड के। जी जी जी, श्योर, बिल्कुल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत, जो धनबाद जी साहब के जमाने में जो करप्शन थी कुछ पे कंट्रोल किया है उन्होंने, जो नकल में और जो दूसरी जो चीज वहाँ पर बोर्ड में पेपर चेकिंग में पैसे लिए जाए, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, जो पैसे दे के नंबर बढ़ाए जाते थे या पता नहीं मुझे अब क्या। कर्नल साहब, आपने ना थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करनी है और थोड़ा क्लियर, क्योंकि आवाज मुझे आपकी सही पहुंच नहीं रही है। क्या हमारे साथ नहीं है कॉल पर? अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इस तरह के, इनको अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने कहा है कि पिछले दौरों के मुकाबले में बेहतरी आई है। कर्नल साहब कहना ये चाहते थे कि इसमें मजीद बेहतरी आए, तो होपफुली इंशाल्लाह हम उस रास्ते पे गामजन है कि इंशाल्लाह मजीद बेहतरी भी आएगी। जी, अगर आप कराची शहर में हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हों या पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं, वहाँ जाएं, लोगों से पूछें, वो सब आपको ये कहेंगे कि इस दफा बहुत बेहतरी आई है इम्तहान सिस्टम में, रिजल्ट में, और वो जो कुछ पहले होता था अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। जी जी, और वो अब नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये क्रेडिट भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाता है कि जिन्होंने बड़े मेरिट के ऊपर सर्च कमेटी के थ्रू सारे सिंध में चेयरमैन मुकर्रर, इससे पहले कभी ये नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आ रहा है। जी हाँ हाँ, ओके। एक सवाल, क्योंकि हमारे पास कॉलर आए और उन्होंने पैनल पे ही बता दिया कि अंदरूने सिंध में तो कॉपीज वगैरह होती हैं, लेकिन उसका नुकसान शहरी लोगों को होता है, इसकी कनेक्टिविटी आप समझ पाए? मैं समझ गया। हाँ, अरे देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है कि उसने चोरी की है तो मुझे भी करने दो, ये इसका मकसद ये है। देखिए, अगर अंदरूनी सिंध नकल ज्यादा होती है तो उसका नुकसान भी उन बच्चों को होता है। अभी जो एनईडी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे टॉप रैंकिंग पे कराची इंटरमीडिएट बोर्ड है, ओ लेवल और खान के बाद जो पब्लिक सेक्टर बोर्ड है उसमें, तो इसका मतलब इंटीरियर के बोर्डों का जो रिजल्ट था वो 18 या 21% था, जबकि कराची का शायद 52 या 53% था। तो अगर हम नकल न करेंगे तो हम ये ना सोचें कि दूसरे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हम उस रेस में ज्यादा आगे चले जाएंगे। तो नकल हमें लॉन्गर रन में चले, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट तक तो मुझे समझ में आता है, लेकिन लॉन्गर रन में अगर आपने नकल करके ही पास होना है तो उसके बाद बहुत सी चीजें वाजे हो जाएंगी, और जो जिसके मार्क्स कम आए हैं और उसने नकल नहीं की है वो जिंदगी की दौड़ में आगे निकल जाएगा। sure. ऐसा हो जाता है। एनटीएस का टेस्ट है, ये मेडिकल का टेस्ट है, इन लोग इनका पीछे रह जाते हैं नकल करके मार्क्स। क्या आप लोग, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सजेस्ट करेंगे वालिदैन को और उनके बच्चों को कि जब वो पढ़ाई करते हैं या कॉलेज और स्कूल में भी, तो वो सिलेक्टेड चीजें भी पढ़ते हैं कि जी हमने सिर्फ पेपर निकालना है, लेकिन तालीम इसलिए ही नहीं है कि पेपर निकालना है, उसमें बहुत कुछ और पढ़ने की या सीखने की जरूरत होती है, कुछ इस बारे में पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को या टीचर्स को कहना चाहेंगे? एक इसमें सबसे बड़ी बात, मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे की कैपेबिलिटी को देखें। हर पेरेंट अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट न करे कि ये A1 ही होगा, A1 होगा या डॉक्टर होगा। पेरेंट्स की मोहब्बत अपनी जगह है, हमारे माँ बाप भी, हम भी अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये बच्चा जो है ये सी लेवल का है। जब हम बाय हुक एंड क्रूक किए चाहेंगे कि इसको तो A1 में आ जाए, तो डेफिनेटली हम सिस्टम को ब्राइब करेंगे, सिस्टम को खराब करेंगे, 10 लोगों को अप्रोच करेंगे कोई एक खराब हो ही जाएगा। तो बच्चों की कैपेबिलिटी बढ़ाएं बजाय इसके कि अपनी मेहनत करें कि वो उनको ग्रेड दिलवाने हैं। और जब तक इन बच्चों में, डेफिनेटली हमारी पार्ट भी है कि हम पेपर में चेंज ला रहे हैं, हम रोट लर्निंग को चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये लेकिन हमने रोट लर्निंग को चेंज करना है, जो बात अभी आपने की थी 5 साल वाली, ये डेफिनेटली अब हमने सारी कोर्स की मीटिंगें कर ली हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन नहीं आते थे डिफाइन एंड एक्सप्लेन, तो बच्चे ने जहां से मर्जी निकाला वहीं से डिफाइन कर दिया, तो डेफिनेटली हम इसको 100% डिस्करेज करेंगे और क्वेश्चन में रोट लर्निंग को डिस्करेज करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे ओ लेवल पे और उनमें कुछ आपने बहुत प्यारी
बात की है, क्योंकि कैम्ब्रिज का सिस्टम शायद इसीलिए लोग उसको प्रेफर करने लगे हैं कि वहाँ पर इस तरह की लर्निंग दी जाती है जो आगे प्रोफेशनली आपके लिए आसान हो जाता है, आप खुद सेल्फ स्टडी करने बच्चे से कह रहे हैं कि वॉइस लॉ डिफाइन करो। हाँ। तो हम ये क्यों कहें, हम तो ये कहें कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर स्टूडेंट एक्सप्लेन। तो अगर उस बच्चे को पता होगा कि ये स्टेटमेंट फला ला का है तो डेफिनेटली वो एक्सप्लेन कर, और उसमें जरूरी नहीं है कि वो डेढ़ पेज लिखे, तीन लाइनों में भी अगर जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये भी एक मिसकंसेप्शन है सर। और इंटरमीडिएट में मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा टेंशन होती है कि आपको लगता है कि बस सारा करियर जो है ना वो इन दो सालों पे बेस हुआ हुआ है, इसमें जो किया वो किया, बाकी तो सब। लेकिन उसमें और उसमें एक्सपेक्टेशन बच्चों की यही होती है कि शायद हमसे यही पूछा जा रहा है कि हम डेढ़ डेढ़ दो दो पेज जब तक नहीं लिखेंगे जब तक हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए। जी जी अच्छा, ओके, हमारा जो पेपर है वो थ्री पार्ट्स में होता है, ओके, एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, एमसीक्यूज का होता है, जिसका डिस्कशन होता है, तो बहुत अच्छा पेपर है इसका हमारा। अच्छा, वो जो बच्चे समझने तक रॉट लर्निंग नहीं है जैसे उन्होंने कहा, ठीक है। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़े अच्छे लोग आपने मिलाए हैं। थोड़ा सा मेरा सवाल लंबा है जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक बच्चा एक ही सिलेबस के थ्रू दो एग्जाम्स देता है, जो कि मेरा ख्याल दुनिया में कहीं नहीं है, और ये एप्टीट्यूड इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के बाद लेने का मुझे सेंस समझ में नहीं आता। एक बच्चा जब उसने पूरी जान लगा ली, मेहनत कर ली, एक तो ये इंटर बोर्ड के एग्जाम्स की मतलब रिस्पेक्ट खत्म करने वाली बात होती है कि एक बच्चे ने बहुत अच्छे वहाँ मार्क्स ले लिए, उसके बावजूद उसको उसी सिलेबस के थ्रू एक और एग्जाम गो थ्रू करना होता है। और अगर एप्टीट्यूड लेना है तो या तो फिर आप मैट्रिक के बाद लें, ताकि बच्चे का एप्टीट्यूड उस वहीं उसको पता चल जाए कि मुझे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना चाहिए। एक बच्चा जब पूरी ध्यान से मेहनत करके अपना पूरा माइंड बना के और इंटर में मेहनत करता है, फिर उसी स्टेप से दोबारा गुजरता है और एप्टीट्यूड के लिए मेहनत करता है, और खुदा न खासा वो दोनों जगह से क्वालिफाई नहीं करता, तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। उसको लगता है आई एम नो वेयर, मुझे मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, चोरी करूं, डाके डालूं, क्या करूं। तो खुदा दे इस सिस्टम को थोड़ा गौर करें, एप्टीट्यूड या तो उससे पहले लें या फिर एप्टीट्यूड ही सिर्फ लें, इंटर सिस्टम खत्म करें। मतलब बच्चे के आप लोग मेंटल स्टेट को क्यों नहीं समझना चाहते। अच्छा, जो साइंस है ना उसके बारे में तो यही लोग बता सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि आप अपने बच्चों को उनमें ये बात इंकल्केट करें कि जब उनसे टेस्ट लिया जाएगा तो फिर डरने की क्या बात है, जब पढ़ लिया तो वो एप्टीट्यूड में आए कि वो इंटरमीडिएट में आए कि वो किसी चीज में भी आए। इस बारे में लेकिन हम इस पॉइंट के बारे में वजाहत आप ही से चाहेंगे। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ जहांगीर साहब, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो पंजाब में इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ है, कराची से भी ज्यादा बढ़ के। हाँ जी, हमारे यहाँ मौसम खूबसूरत नहीं है, बहुत हब्स हो रही है। नहीं यहाँ तो बड़ी बारिश हो रही है। बस जी मैं आपके मेहमान ग्रामीण से दो सवाल करना चाहूँगा। कीजिए। पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी SSC या HSS बोर्ड होते हैं ये सारे कनेक्टेड होते हैं, इनका कोई रिजल्ट बनाने में या पेपर बनाने में या इनका कोई अहम किरदार होता है पूरे पाकिस्तान में, या तमाम बोर्ड की अपनी अपनी पॉलिसी होती है? और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार भी काफी लोगों ने दाड़ दाड़ मचाई हुई थी मीडिया पे भी इधर उधर की, इंडियन नंबर से व्हाट्सएप के जरिए जो है पेपर आउट हुए और उनको मुख्तलिफ बच्चों को जो है वो भेजे जा रहे हैं। तो एक बेहतरीन निजाम है महकमा एजुकेशन के पास, एक वो जो कॉपीज बनाते हैं, हमने भी वो स्कूल का जमाना देखा है, हमारे दौर में तो सिर्फ दाखला फॉर्म जमा कराने और रिजल्ट और कॉपियां लेने में भी इतनी मुश्किलें होती थी। और अगर आपने गुफ्तगू को ऐसे कंटिन्यू किया तो ये जवाब दिए बगैर चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल समझ आ गया। पहले तो जो बात की थी एप्टीट्यूड टेस्ट की उसके बारे में। हाँ देखिए, वो जो बात की वो बिल्कुल ठीक है खातून ने, एप्टीट्यूड टेस्ट कोई और चीज एनालिसिस करता है। हाँ। बच्चे में, और ये जो इंटर का इम्तहान है मैट्रिक के बाद, ये तो डिस्क्रिप्टिव इम्तहान है, इसमें तो राइटिंग स्किल पता लगती है, इसमें मेमोराइजेशन पता लगती है, इसमें क्रिएटिविटी पता लगती है कि वो किस क्वेश्चन को कैसे दे रहा है। तो ये जो NTS के टेस्ट के थ्रू है ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हमने किसी बच्चे को एमसीक्यू लेवल पे उसको जांच के डिसाइड कर लिया कि ये बड़ा क्रिएटिव बच्चा है, हो सकता है लिखने में बड़ा वीक हो, मेमोराइज ना करता हो वो, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपने कहा था ठीक है अगर बच्चा प्रिपेयर ही हो गया है, हाँ ये अलग बात है कि बाद बच्चों को वो स्किल पता लग जाए कि हम क्या एनालाइज करना चाहते हैं एमसीक्यूज लेवल पे, तो वो डेफिनेटली कर लेगा, लेकिन ये दोनों चीजें जरूर, दोनों चीजें काउंट होती हैं और ये सिस्टम है। और बस ज्यादा से ज्यादा दूसरा क्वेश्चन जो ये व्हाट्सएप पे जो पेपर लीक हो गया, सबसे ज्यादा पहले उसके बारे में पूछे। व्हाट्सएप वगैरह का पेपर सिलसिला शुरू हुआ था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 9:30 बजे हमारा पेपर शुरू होता है जी, और 9 बजे तक हम तमाम सेंटर्स में ये पैकेट्स पहुंचा देते हैं। 9 बजे ये पैकेट्स खोल दिए जाते हैं। अब इतना बड़ा शहर कराची है, 118 सेंटर्स हैं, हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई भी शख्स कहीं भी कोई सबके जगह से भेज सकता है, मगर पेपर आउट होने का क्या फायदा? जो बच्चे जिन्होंने इम्तहान देना है अंदर बैठे एग्जामिनेशन के लिए, उन तक तो नहीं पहुँचना ना बाहर। हाँ अगर 9:30 बजे पेपर होना है और 9 बजे चलो, अगर स्टूडेंट को मिल भी गया पेपर तो उसने क्या कर लेना है? जो निकम्मा मिलेगा वो तो अंदर बैठ चुके हैं अपने, ठीक है उसके अंदर। और ये लेकिन ये पहले भी आउट हुए हैं, ये भी कहा कहीं कहीं कहा गया, ये तो आपने 9 बजे की जो बात की नहीं पहले आउट के एक दिन पहले हुए और पेपर 11 तारीख पे चेंज हुआ। मैं आपको बताऊँ, हैदराबाद की खबर आई बड़ी मीडिया पे पेपर आउट, जी चेक किया गया तो पता चला कि वो पेपर एक दिन पहले हो चुका है। अच्छा इस तरह से थोड़ा सा ये एक मुहिम चलाई गई थी। मुहिम कौन चला रहा है? ये माफिया के लोग। अच्छा, अभी सीसीटी ने जो इंक्वायरी की थी हमारे की कोर्ट की, उसमें जिन लोगों के उन्होंने नाम बताए वो आप सुने तो हैरान रह जाएंगे कि वो कौन लोग थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। चले हैरान रहने के लिए हम फिर अगली दफा आपको बुलाएंगे हैरान होने के लिए, क्योंकि ये वाला सेगमेंट हमारे यहाँ क्लोज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत ही अच्छी डिस्कशन आप लोगों से रही, थैंक यू सो वेरी मच। दोबारा आपके यहाँ मधु करेंगे। और अब जो हम ब्रेक लेने वाले हैं इसके बाद गुफ्तगू होगी हमारे यंगस्टर्स से, किस हवाले से, जैसे ही आप ब्रेक के बाद आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टे विद अस। بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں ضیاء الرحمن۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا، حجاج کرام احرام باندھ کر منا روانہ، خیموں کا شہر آباد، لاکھوں حجاج آج کا تمام دن منا میں گزاریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات کل ادا کیا جائے گا، پاکستانی عازمین کی ایک بڑی تعداد بھی فریضہ حج ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس پائیدار ترقی کے عالمی اہداف کے حصول کے لیے وزیر اعظم پروگرام کے رہنما اصولوں اور رولز آف بزنس میں ترمیم کی منظوری۔ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، معروف بین الاقوامی ریٹنگ ادارے بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو وزارت ریلوے کے حوالے سے بریفنگ، ریلوے کو بہتر بنانے کے لیے جدید خطوط پر استوار کیا جائے، مسافروں کو بہترین سفری سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کی پاسداری لازمی ہے، بھارت سنتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہا، پاکستان کو بھارت کے آبی ذخائر کے ڈیزائن اور انفراسٹرکچر پر تحفظات ہیں، وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف۔
خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی. ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ. مختلف ہسپتالوں میں تقریباً 1800 افراد کا معائنہ. 239 افراد ڈینگی مرض میں مبتلا. محکمہ صحت پشاور. سلامتی کونسل کی شمالی کوریا کے میزائل تجربے کی شدید مذمت. شمالی کوریا مزید میزائل تجربے بند کرے اور اپنے وافر ایٹمی ہتھیار اور میزائل پروگرام کو روکے. سلامتی کونسل. مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے. چین اور روس کی فریقین کو صبر کی تلقین. امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں سمندری طوفان ہاروی کے بعد دو بڑے آبی ذخائر میں طغیانی. سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے صدر ٹرمپ کا دورہ ٹیکسس. سیلاب سے متعلق بریفنگ. سمندری طوفان سے متاثرہ 4.5 لاکھ افراد کی مدد اور ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے. صدر ٹرمپ. صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہوگا جو جمعے تک جاری رہے گا. کراچی اور حیدرآباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان. نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ. ملک کے دیگر علاقوں میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع. محکمہ موسمیات. عید قربان کی آمد. جانوروں کی خریداری عروج پر. جانوروں کی آؤ بھگت اور ناز نخرے اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری. بچوں کی خوشی بھی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ویسٹ انڈیز کے سر ریچی رچرڈسن کو آزادی کپ کے لیے میچ ریفری مقرر کر دیا. پاکستان اور ورلڈ 11 کے درمیان آزادی کپ کے نام سے سیریز اگلے ماہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی جائے گی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. انفرادی ذمہ داری ہے کہ خیرات اور زکات دیتے وقت مکمل اطمینان کر لیں کہ ہمارے یہ عطیات, ہماری یہ مدد مستحق لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اگر ہماری یہ مدد مستحق لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تو ہم اپنا دینی فریضہ ادا کرنے میں ناکام رہیں گے. یاد رکھیے, حق دار تک حق پہنچنا ہی اصل عبادت ہے. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. میرے عزیز ہم وطنوں, السلام علیکم. 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے. جنگ شروع ہو چکی ہے. دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. ویسے مسلمان ممکن حد تک سکوں احتیاط کر کے انہیں ادارے کو دینی چاہیے جو ان سے وابستہ ہیں. اس نے ایک صدا عہد ہے جو کہیں نہ کہیں بہانے ہیں. لہٰذا لسان موجود عہد اپنے ملک کی دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ستکار کے رہے انہیں جہاں سے نہ بجن جیسے سارے خلاف استعمال کے دن. مہربانی کر کے احتیاط کی کہ مجھے انہیں تمام ادارے نال معاملت کے لیے بجے جیسے صحیح خاصی شعبے نال وابستہ ہیں جیسے خلق خدا نال
پورے خلوص نیت نال سانس کر لیتا ہے. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ یانگسٹرز موجود ہیں جن کا میں پراپر انٹروڈکشن آپ سے کرواتی ہوں. یہ ہے ینگ ڈیموکریٹس آف پاکستان, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کر دی ہے کوئی نیشنل پنچایت. پنچایت تو آپ نے سنا ہی ہوگا, لوگ ایک دوسرے کو بڑا کیجولی بولتے ہیں کیا پنچایت ہے, مگر جب مجھے آج پتا چلا کہ کوئی نیشنل پنچایت ہوئی ہے تو میں نے سوچا ضرور ان سے بات کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے مہمان ہیں آج, ان میں سب سے پہلے ہیں سید رضی الدین, این ای ڈی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, سول انجینئرنگ کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ایسے ہوئی تھی نیشنل پنچایت, اس میں آرام طریقے آرام سے ہیں. لمبی کہانی ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں انم محمود, سر سید یونیورسٹی میں بایو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں, رائٹ؟ کیا بات ہے آپ کی, کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. کلر بڑا اچھا پہنا ہے, اس طرف جائیں نا تو وائبرنس سی محسوس ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں فائز علی خان, کراچی یونیورسٹی سے آئی آر کر رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اور اس ینگ ڈیموکریٹس کے کوئی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ کا مجھے یاد رہ گیا. یہ جنرل سیکرٹری ہیں. اچھا وہ کیا ہے؟ وائس پریزیڈنٹ. وہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں. اور یہ انڈر سیکرٹری. انڈر سیکرٹری جو ہیں وہ نکیتا پرتھانی ہیں, جو کہ فوبیل ایجوکیشن سینٹر سے ان کا تعلق ہے, او لیولس کی اسٹوڈنٹ ہیں. بڑی جلدی آپ کو خیال آیا کہ پاکستان کے ڈیموکریٹس اور یہ جو ساری ایسوسیشن ہے اس کا حصہ بن جائے, کیوں؟ موٹیو اچھا تھا. پھر آپ نے سوچا کہ چلو ان کا حصہ بننا چاہیے. پہلے تو مجھے بتائیں جی, آپ لوگ ینگ ڈیموکریٹس اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیشنل پنچایت کی میں نے بات کی, اسے کس طرح ایکسپلین کریں گے, یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ڈفرنٹ ٹائپس آف ایونٹس ہم نے دیکھے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے ماڈل بہیوئر میٹنگ, وہ ہر انسٹیٹیوٹ میں بھی ہوتا ہے, پرائیویٹلی بھی آرگنائزڈ ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا ایک پرٹیکولر فی اسٹرکچر ہوتا ہے. اوکے, ویری کرتا ہے 2000 سے لے کے 5000 ایون مور. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو اپنے سرکٹ میں فیل کیا تھا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈینٹس تھے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک ٹائپ ایسا تھا جو افورڈ نہیں کرتا تھا, ایک ٹائپ ایسا تھا جو کہ پریفر نہیں کرتا تھا. اگر ان کے پاس پیسے ہوتے بھی تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم اس سے بہتر کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے کافی محروم تھے, اور یہ ہمیں بہت سارا ماسٹر ثابت ہوتا ہے پولیٹیکل تھنکنگ میں, آپ کی پرسنل گروتھ میں. ہم نے یہ انیشیٹو فرسٹ ٹائم ان پاکستان میں ہوا ہے کہ فری آف کاسٹ. یہ انیشیٹو آپ ہی کے گروپ نے لیا جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ایک دو اور لوگ شاید ہوں گے جو مسنگ ہیں, تو آپ ہی لوگوں نے سوچا کہ یہ ہمیں پیسے نہیں دینے, ہمیں تو کوئی فری آف کاسٹ چیز کرنی ہے. ہاں اچھا, ویسے رضی, یا تو ہماری اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی یا ملاقات ہوئی تو آپ پہلے مجھے اتنے ووکل نہیں لگتے تھے, اتنے بات نہیں کرتے تھے, تو اٹ ہیپنڈ ڈیورنگ دس کورس کہ آپ اس کا حصہ بنے اور پھر یہ ڈیولپ ہوا ہے آپ نے؟ جب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ڈفرنٹ ٹائپ آف رولس, ہم نے خود پارٹیسپیٹ کیا, ایون دو جب یہ آرگنائز ہو رہے تھے تو ہم نے بھی اس کو فی پے کر کے ان کو پارٹیسپیٹ کیا. اوکے, تو ہم جب اس پوائنٹ پر پہنچ گئے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خود آرگنائز کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کو ایک چینج لا سکتے ہیں. تبدیلی کی بات تو سب کرتے ہیں, لیکن ایک سوسائٹی میں جو ایک آرگنائزیشن میں رہتے ہیں آپ چینج لا سکتے ہیں, تو ہمارے جو وسائل میں. ٹھیک ہے, میں اس پوائنٹ پہ نا یہ جو چینج والی بات ہے یہ سمجھنا بھی چاہتی ہوں. پریکٹیکلٹی کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے کیسے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ چینج کی بات تو سب کرتے, مگر وہ ہوتا کیسے؟ مگر نیشنل پنچایت کی ڈیفینیشن رہ گئی ہے نا. نیشنل پنچایت بیسکلی ایک ایونٹ تھا
उसका गोल यही था कि हमें उस ऑडियंस को टारगेट करना था जो आज तक उस स्पीकिंग स्टाइल तक नहीं आई है। और स्पीकिंग स्टाइल तक आप लोग बेसिकली जो काम कर रहे हो वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे कर रहे हो, डिबेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो सारी चीजें। जब तक आपको अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना नहीं आएगी, आपका जो भी थॉट हो वो चाहे जितना मेच्योर हो जितना अच्छा हो वो जब तक दूसरे तक नहीं पहुंच सकता तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये तीन दिन का एक इवेंट था 25, 26, 27 अगस्त को हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 700+ डेलीगेट्स हमारे पास मौजूद थे, जिसमें से मोस्टली बच्चों का पहली दफा मतलब एमयूएन सर्किट से वाबस्तगी थी। किस लेवल से किस लेवल तक के थे? हमारा टारगेट मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास वो भी लोग मौजूद थे जिन्होंने पहले इस सर्किट को बोला। यू हैड जस्ट मैनेज 700 पीपल इन दिस नेशनल पंचायत। पंचायत क्यों था इसका नाम? असल में और बड़े मजे की बात है, जिसमें अभी बात हुई फ्री ऑफ कॉस्ट आज तक कभी नहीं हुआ। तो एक बड़ी पंचायत होती है, पैसे जमा करना, जोड़ना, फिर लेकर आना, फिर करना। ये कुछ टिप्स दिए हैं आपके इस इवेंट के? जी जी। ओके, उस हवाले से ये था कि यार क्या पंचायत लगाई हुई है। ओके, तो हमारा बस टारगेट यही था कि घर की पंचायतों से लेके ऐवानों की पंचायतों तक अब हम करेंगे पंचायत। अब हम करेंगे क्या करोगी तुम? पंचायत। पंचायत सेहत देखी तुमने अपनी? उस पे पंचायत। अच्छा जी, अब जरा आप लोग, ये तो नेशनल पंचायत हो गई है, लेकिन किस तरह से आप लोग स्टूडेंट्स में अगर कोई ऐसी चीज है जो लैकिंग है, जिसमें ज्यादातर कम्युनिकेशन है, या जो मुझे इनकी बात से समझ आया है वो अपनी प्रेजेंटेशन है, तो उसको कैसे आप लोग ओवरकम कराते हो, क्या करते हो इन इवेंट्स में सो दैट दे कम आउट ऑफ दैट वो जो एक अपने होल में होते हैं? सबसे पहले हमारी एक कोशिश ये होती है कि जो इस मुल्क में मनफी रुझानात हैं हम उनको मस्बत कैसे करें। अब सबसे बड़ी आपको मैं मिसाल दूं या दलील दूं कि इस मुल्क में पंचायत का नाम आते ही एक मनफी तासुर, एक मनफी सोच जो है लोगों के जहनों में आना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप जितने लोग इस इवेंट में शरीक थे और जिन्होंने इसे सोशल मीडिया के थ्रू देखा, आज के बाद वो कम से कम जब पंचायत का नाम आएगा तो वो सिर्फ एक मनफी सोच नहीं रखेंगे, उनके जहन में कहीं एक मस्बत काम भी आ जाएगा। क्या बात है, इसका क्रेडिट आपको जाता है। और मुझे ये बताओ, आप शायर हो या डिबेटर हो? दोनों। शायर कभी कभी, डिबेटर हो ना, उसी तरह बोल रहे हो। तो दूसरी वजह ये थी कि एक सर्किल था जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर होती रही है, तो वो जो बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल का था, गवर्नमेंट कॉलेज का था, गवर्नमेंट, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो जब हम जाते थे रजी और हम गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बफर जोन, ओके, तो हम जब जाते थे वहाँ पर मॉडल यूनाइटेड नेशन की किसी भी कॉन्फ्रेंस में, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। अगर आप महीने में एक अटेंड कर लो तो आप दूसरे महीने में दूसरी नहीं कर सकते। तो उसमें अटेंड करने वाली ऐसी बात क्या होती थी कि आप लोग इतना चाहते थे? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मॉडल यूनाइटेड नेशन में आपको जिंदगी का सबसे अहम, जिंदगी की सबसे अहम चीज सिखाई जाती है, डिप्लोमेसी। आपको सिखाया जाता है कि एट द टाइम आए तुम लोग इतने मासूम थे, डिप्लोमेसी नहीं आती थी? कौन सी वाली डिप्लोमेसी? वो आपस वाली डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक रिलेशन? डिप्लोमेटिक रिलेशन। अच्छा, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें यूनाइटेड नेशन की तमाम कमेटीज से लेकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली के शेडो तक उसमें हर चीज होती थी। तो वहाँ जाहिर सी बात है, जब आप स्टूडेंट लाइफ होती है, आपकी ये 20-22 साल वाली उम्र होती है, खून बहुत ज्यादा गर्म होता है, मुल्की सियासत से लेकर आलमी मामलात तक आपका दिमाग और आपकी सोच बहुत आगे तक जा रही होती है, तो वहाँ जाके कम से कम अपनी बढ़ा सकते हैं। अच्छा है, अच्छा है कि आप लोगों का अग्रेशन जो है ना वो सही जगह पे खुदे लाइन हुआ। अच्छा निकिता, आप क्या बताएंगी इस बारे में, कितना अर्सा हुआ आपको ज्वाइन किए हुए? मैंने एमएन स्टार्ट की थी 2 साल पहले। ओके, एंड पहले ये होता था कि यार पूरी कंट्री पे स्टडी करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकती ना। आई मीन आई वॉज नेवर दैट कॉन्फिडेंट, मतलब इन बीइंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस वॉज नॉट माई थिंग एट ऑल। ओके, तो देन ऑब्वियसली एक एमयून हुई, दूसरी एमयून हुई, तीसरी हुई, साल में बहुत सारी हो गई, तो वो एक्सपीरियंस बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया, एंड 2 साल हो गए। तो एंट्री की कौन सी एज है? ये तो 8th क्लास में थी जब एंटर हो गई ना शायद। तो इसमें ज्यादातर ओ लेवल, ए लेवल और ओ लेवल के बच्चे ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ, कि आप लोग ऐसा क्या कर देते हैं कि इनमें ये बात आ जाती है कि ये स्क्रीन फेस कर सकते हैं, ऑडियंस फेस कर सकते हैं, क्या करते हो तुम लोग ये?
बेसिकली होता ये है कि इसमें डिफरेंट कमिटीज हम बनाते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। आपको आगाही मिलती है, अब जो पाकिस्तान का बच्चा है उसको नहीं पता कि उसके बेसिक राइट्स क्या हैं, उसको नहीं पता कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको मेट्रिक तक तालीम दिलाना, और इस टाइप के डिफरेंट जो बेसिक रूल्स हैं वो उसको नहीं पता होते। लेकिन जब आप इन कमिटीज में होते हो आपको स्टडी के लिए स्टडी गाइड दी जाती है, आपको प्रॉपर टॉपिक दिया जाता है, तो पढ़ना आपकी मजबूरी हो जाता है। आप जब पढ़ते हो उसको स्टडी करते हो तो आपको चीजें समझ भी आती है। और दूसरी बात स्क्रीन चेक करने की कॉन्फिडेंस की बात है, ये आपकी कमेटी में 100 डेलीगेट्स होते हैं, 80 होते हैं, 80+ होते हैं, तो उनको जब आप फेस करते हो, उनके सामने खड़े होकर बोलते हो, डायस जो आपसे सवाल करता है उसको फेस करते हो, तो आप एक चीज सीख जाते हो कि आपको फौरन जवाब किस तरह देना है और आपको किस तरह अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ओके, क्या बात है। ये तो आप अच्छा, ये इनकी आपस की भी कम्युनिकेशन इसमें अभी, क्योंकि कुछ क्लिप्स आप लोगों के चल रहे थे मैं देख रही थी, और ये किसी ऑडिटोरियम के क्लिप्स मुझे लग रहे थे। तो आप लोगों ने कैसे अरेंज किया, आपने यूनिवर्सिटी में किया, आपस की मशावरत से किया? ये इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब हम ये इवेंट कराने जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम कोई होटल बुक नहीं कर सकते थे, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हमें, हम डिफरेंट इदारों के पास भी गए, हम डिफरेंट कंपनीज के पास भी गए स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मदद हमें इसने की उसमें सिटी गवर्नमेंट ने की, मेयर और डिप्टी मेयर साहब ने की। ये इदारा है कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जो कि सिटी गवर्नमेंट। जी 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 जी, तो उन्होंने हमें ये वेन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट साइल के साथ उन्होंने हमें दिया, हमें ऑडिटोरियम, लेक्चर हॉल, इवन उसमें हमें एयर कंडीशन भी अवेलेबल थे जो हमने वहाँ पर यूज। वेरी नाइस, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। और इन लोगों ने अगर एक चीज सोची इतने इनिशियल लेवल पर, तो उसके लिए फिर तगोदो की और फाइनली रिजल्ट हम सबके सामने है। तो कितने मेंबर्स हैं आपके जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे कितने मेंबर्स हैं? वी हैव मोर देन 50-60 पीपल, और इस पर्टिकुलर इवेंट में हमारे पास ओवरऑल पाकिस्तान से सारी टीम्स थे, हमारे चेयर्स आउट स्टेशन थे, हमारे डेलीगेट्स भी आउट स्टेशन थे, और पर्टिकुलरली कोर टीम में हमारे 9 लोग हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी हैज 9 पीपल, उसके अलावा हमारी ओवरऑल टीम है वो 50+ की है। क्या क्या सब पूरे मुनज्जम तरीके से बनाया हुआ, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सबके अपने डेजिग्नेशन है, इलेक्शन भी कराते हो? हाँ, तो बनता है अभी आमराना फैसले। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं कि आप लोग भी कितना ज्यादा। अच्छा, आप और क्या बताना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो अब तक आपके साथ पार्ट नहीं ले पाए हैं, कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे क्या क्या चीजें वो सीख सकते हैं? मैं तो बहुत सिंपल और एक आम सी बात कहता हूँ कि अगर यंग डेमोक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान का आप साथ देना चाहते हैं, बेशक दें, नेशनल पंचायत का देना चाहते हैं दें, और नहीं भी देना चाहते हैं ना दें, लेकिन इस जिंदगी में जो अभी हम जी रहे हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ जो हम जी रहे हैं, इसको एक मकसद के साथ जिए। मतलब मैं, रजी, अनम, निकिता और बहुत सारे लोग इस शहर में रहकर कोई भी एमयूएन कॉन्फ्रेंस करा सकते थे और अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है, हम भी कमा सकते थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये तारीफ की बात है कि हमने पैसा नहीं कमाया, ये तो बड़ी बड़ी बात है, आगे पैसा ही कमाना है, आप क्या मुंह दिखाओगे, पैसा नहीं कमाओगे। लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि जब हम अपनी तालीम खत्म करें, प्रोफेशनल लाइफ में आए, तो पैसा कमाएं। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो अगर हम किसी से खैरात ले रहे हैं तो वो खैरात लेके घर में राशन डलवा लें, ये नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए पैसा ले रहे हैं उस काम पे लगाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि एक मकसद होना चाहिए, हमारा मकसद ये था। बस रुको, हमारा नहीं, अब तो पहले एक एक का मकसद बताओ क्या है, तुमसे शुरू करते हैं। क्या मकसद है आपका अपनी लाइफ में? इन माई लाइफ? हाँ हाँ, अपने बारे में। अच्छा, क्या मकसद है? वैसे तो मतलब I'm known as a very, you know, ambitious bachi in the house. Oh ho. So because I cannot, I mean, aaj bhi maine apna school miss kiya hai for this show. So I'm ambitious in the school miss karke. I don't do that. Okay. Okay. Ambition ka level dekhi zara. Razi called me up and Razi goes like, yaar suno kal PTV pe chalna. Acha, chalo. Ye ho gaya. Ye batao aage kya karna hai? Aage. Acha. Kya kya goal hai life mein? Kya maksad hai ye jo inhone baat ki? Itna bolne to aa gaya tum logon ko. Ab maksad kya soch rakha hai apne liye? मेरा ये प्लान है कि आई विल गो अब्रॉड एंड ऑब्वियसली यू नो बिजनेस की फील्ड है, तो ऑब्वियसली उसमें पढ़ा के वापस आऊंगी। हाँ, नहीं नहीं, वापस नहीं आना, वापस नहीं आऊंगी। अच्छा, अभी ये बहुत छोटी है, इसकी बात में दिल पे ना ले, ओ लेवल्स में बच्चे ऐसा कह देते हैं, बाद में पता चलेगा, जब वहाँ जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। ओके, आप बताएं क्या क्या मकसद है? मकसद से अगर स्कूल से रिलेट करें तो आप किसी भी स्कूल से, अगर आप इंजीनियरिंग में खुद से पढ़ रहे हैं, जैसे पहले बात की आपकी प्रेजेंटेशन जरूरी है, इंजीनियरिंग में भी आप अपना प्रोजेक्ट पेश करना चाहते हैं, आपका प्रोजेक्ट कुछ भी है, उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन अच्छी होना, कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने
ये भी देखा है कि हमारे कुछ टीचर्स होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, कुछ टीचर्स हमें बुरे लगते हैं। टीचर कोई अच्छा बुरा नहीं होता, बस उनकी प्रेजेंटेशन का फर्क होता है। अरे वाह, कि टीचर कोई अच्छा इतना अच्छा प्रेजेंट करता है कि हमें फॉरन समझ आता है। कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं, ये नहीं उनकी काबिलियत में शक नहीं होता, डिग्री उनके पास भी होती है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से हमें अच्छे नहीं लगते। कुछ टीचर तो इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि अम्मा अब्बा उनके सामने कुछ नहीं लग रहे होते है ना। तो खैर ये तो टीचर्स के बाकी प्रेजेंटेशन की बात है, मैं पर्सनल गोल्स की बात कर रही थी। पर्सनल क्या गोल है आपका? पर्सनल गोल जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग से लेती हूँ, तो मेरा गोल ये है कि ग्रेजुएट होने के बाद मुझे पाकिस्तान में ही जॉब करनी है। अगर मुझे मास्टर्स के लिए बाहर जाना पड़ा लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा सर, पाकिस्तान को। यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट है ना, मतलब हाँ वो लग रहा है इनकी टोन से, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा। ओके आप बताएं। मेन फोकस तो इंजीनियरिंग साइड ही है, लेकिन हाँ एक बात होती है, व्हाट एवर यू डूइंग इंजीनियरिंग साइड क्या तुम्हारा बायोमेडिकल ना? इंजीनियरिंग जो है, लेकिन हाँ ये है कि व्हाटएवर आई विल बी डूइंग, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, 100% ये जो 100% पर्टिकुलर थिंग, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज हम यहाँ कल माइट भी हमें एक कुछ स्ट्रगलिंग पाथ फेस करना पड़े, कुछ फेलियर फेस करने में पड़े, बट इफ यू गो थ्रू दैट पाथ और आप उसको अच्छे से फेस कर लो तो दैट इज वॉन्ट बी द बेस्ट है ना। ये है आपका 100% करना चाहती है। अब आपकी बारी है, अब आप ले लें जितना टाइम लेना है। बहुत लंबा चौड़ा प्लान होगा आपका? नहीं, इतना शायरी में बताएंगे, डिबेट करके बताएंगे या सीधा सीधा बताएंगे? नहीं, सीधा सीधा यही है कि मकसद सिर्फ ये है कि अच्छा साफी बनना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह आईआर के बाद तैयारी है। साफी बनना चाहता हूँ, उसके अलावा ये है कि अपनी जात से और अपने मुआशरे में सोशल वर्क की थोड़ी बहुत अगर अहमियत में अपने जिंदगी में बता सकूं लोगों को या खुद समझ सकूं, तो ये एक मकसद है कि लोगों को बताना है कि सोशल वर्क होता क्या है। क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में समाजी कामों को उतनी दिलचस्पी से नहीं किया जा सकता। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, जो हम पर गुजरी है, तो मैं आखिरी तकरीर में अपनी कहता लेकिन वक्त नहीं था हमारे पास वहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में, तो अच्छी है। कायदे आजम का ख्वाब था कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लेकिन आप यकीन जाने इस मुल्क में, मैं एक बुराई नहीं कर रहा लेकिन एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि जब आप वेलफेयर का काम करने निकलते हैं ना, आपको लग पता जाता है कि ये काम कितना मुश्किल तरीके का है, क्योंकि ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुस्तनद नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए आपका ये काम जो है बहुत मुश्किल का सामना इसको होता है, क्योंकि आपको अपने आप को मनवाना पड़ता है। बिल्कुल, वेलफेयर के काम तो लोगों ने बिजनेस की तरह भी शुरू किए हैं, और अक्सर वेलफेयर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं और उनके पास इस तरह की गाड़ियां और उनका रहन सहन ऐसा है, उनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए, और मैं सोचती हूँ कि इस काम के अलावा तो इनका कोई बिजनेस नहीं है या कोई नौकरी नहीं है, तो ये पैसे इनके पास कहाँ से आते हैं? इनके बच्चे जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? तो ऑब्वियसली वो ही उनकी नौकरी है जहाँ वो काम कर रहे हैं वेलफेयर का, लेकिन वो वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो हम उन्हें बुरा नहीं कहते, उनसे बहुत से लोगों को फायदा भी है। हमारे साथ इस वक्त माही की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। फूलों की कलियां सुबह की हवा, सुबह नौ चलते रहो सदा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी आपी। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, तुम तो आई और छाई। ठीक ठीक आपी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ। आपी आपका शो बहुत अच्छा, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारे मेहमानों से क्या बात करना चाहेंगी? मेहमान भी आपके बहुत अच्छे, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और ये जो दो लड़कियां ना, उन्होंने मुझे बहुत घूर के देखा है अभी, तो इनकी भी तारीफ करो। बहुत प्यारी लग रही है, ये भी आप प्लीज स्माइल करके दिखा रहे, आपकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। अच्छा अब आगे तो बताओ, और क्या कहना चाहती हो? तुमने कभी ऐसे किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट किया या करना चाहती हो जैसे ये बता रहे हैं, जहां आपको बोलने की सलाहियत और बाकी चीजें, क्राउड फेस करना, कॉन्फिडेंस, ये काम करते करते या एक्टिविटीज का हिस्सा होते होते समझ आ जाती है और आप में ये डिवेलप हो जाता है? फिर आपकी हर इंसान यही चाहता है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करे, लेकिन इसके लिए जो हमारा माशरा है ना वो ठीक नहीं है। इसके लिए हमारा माशरा क्या है? वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, तुमने अपनी आवाज नहीं बुलंद की। आपकी एक्चुअली वो पाकिस्तान में अभी तक भी औरतों को वो हकूक नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए। आपने एक दफा टॉपिक रखा था औरतों पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लड़कियों ने आपको कॉल की थी और एक लड़की ने मेरे पास ही बैठ के आपको कॉल की थी, जिनका भाई ने सही नजर से नहीं देखता था, और जब आपने उन्हें बताया था आपके स्कॉलर ने कि वो 11 दिन पढ़े सूरह, ठीक है ठीक है, फिर वो आपको अच्छा लगा था। अच्छा आप खुद क्या करती हैं?
मैं यही कहती हूँ कि पहले सबसे पहले तो औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो काम करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, चलो आगे तक पहुँचाएं। ओके माही, आप क्या करती हैं खुद? घर का काम ही करती हूँ और मुझे कोई कुछ करने नहीं देता। अच्छा ओके, हाँ तो देखिए ये भी चीजें हैं, बहुत से लोग जबकि इनकी आवाज में बहुत कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सो मच आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपने हमारी इतनी तारीफें की और बड़ी अच्छी क्लियर आपकी आवाज थी, आपका अंदाज बड़ा कॉन्फिडेंट था। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे भी लोग हैं जो निकल नहीं पाते, शहरों में हमें ज्यादातर ये मसाइल नहीं है लेकिन दूर दराज इलाकों में अंदरूने शहरों में थोड़ा ज्यादा ये बैक। और हम एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे यंग डेमोक्रेट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कर डाली है नेशनल पंचायत। वैसे ना डर ही लग रहा है मुझे ये बार बार कहते हुए, जिन्होंने ये फिनोमेना पूरा सुना ना होगा वो कहेंगे पता नहीं कौन सी नेशनल पंचायत कर दी है, बट दे हैव डन समथिंग वेरी पॉजिटिव। और वो अपने हम असर लोगों के लिए या अपने जो सेम एज के स्टूडेंट्स हैं यंगस्टर्स हैं उनके लिए ही नहीं है बल्कि सोसाइटी के लिए भी है, क्योंकि उसका अल्टीमेट फायदा हमारी सोसाइटी को है। अच्छा, ये नेशनल पंचायत की जरूरत क्या थी वैसे? बेसिकली जो पंचायत वर्ड जब हमने सोचा था ना, जब हम शुरू में इनिशियली इसको प्लान कर रहे थे, तो हमने यही सोचा था कि पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था वो था टू बी डिफरेंट। ओके, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में चल रहा है, जो सर्किट में चल रहा है, उससे कुछ अलग करना। तो वो अलग ये था कि, और इसकी जो जरूरत इसलिए पेश आई थी कि हम देखते थे कि जितनी भी मॉडर्न यूनाइटेड नेशन इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेज हो रही है वो एक मखसूस तबके तक महदूद होती जा रही है। इसमें मैं नहीं देखता था कभी भी कि कराची यूनिवर्सिटी या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी यहाँ से कोई ज्यादा बच्चा आता है। गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल तो बहुत कम उसमें है, यूनिवर्सिटी का बच्चा तो चलो खुद अर्न करता है और इन चीजों में पार्टिसिपेट कर सकता है। वहाँ पे जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे वो मोस्टली ए लेवल्स ओ लेवल से निक्सर कॉलेज, मतलब डिफरेंट, मैं किसी को पर्टिकुलरली हाईलाइट नहीं कर रहा लेकिन जो डिफरेंट टाइप के स्कूल और कॉलेजेस थे वो पार्टिसिपेट करते थे। आपको ये लगता है, चलें इसको हम सबका नाम नहीं लेते, लेकिन आपको ये लगता है कि वो जिनको ऑलरेडी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जो ऑलरेडी जरा हाई फाई हैं उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती है?
तो हमारा जो ये पंचायत फिर जब लाने का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी वजह से था कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए जिनको नहीं मिलती। तो फिर हमने ये देखा भी, हमारे पास सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स थे और हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स है जो जो जिनको क्लासों में सीट्स तक अवेलेबल नहीं होती, जो नीचे बैठकर उनको आपने खुद अप्रोच किया था, खुद अप्रोच किया हम गवर्नमेंट, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हाँ, नहीं, उनको पता नहीं, नहीं है राइट। हमने स्कूल्स विजिट किए थे, हम उनको इन्विटेशन लेटर लेकर गए थे, प्रिंसिपल से मिले, हमने उनको कहा था कि आप ज्यादा नहीं 15-20 स्टूडेंट्स अपने स्कूल से भेज रहे हैं जो वहां पर पार्टिसिपेट करें, जो आपको लगता है कि सीखना चाहते हैं कुछ, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होगा, डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस। और हमने इसमें ये किया था, हमने कोटा मखसूस किया था कि 50% हम गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही लेंगे और 50% हम दूसरे। अच्छा, कॉलर के बाद अगर आपको कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी याद हो या कोई ऐसे स्टूडेंट याद हो जो आप समझती हो कि ये मुझे इनके बारे में जरूर बात करनी है या मेरे लिए बड़े अच्छे थे, प्लेजेंट सरप्राइज था, उसको हम डिस्कस करते हैं आफ्टर किरण कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। जिन लोगों ने मुझे कभी आप ही कहते हुए नहीं सुना ना, वो हैरान और परेशान हो रहे हैं। खैर नहीं, अगर मैं इंजॉय करती हूँ इसको, मुझे लगता है कि जब मैं पीटीवी पे काम करती हूँ तो ये मेरे नाम का हिस्सा है। बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आपके जो मेहमान हैं उनको मैं सलाम, और ये शहर में क्योंकि रहते हैं और हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा ऊंचा तो बोलो, तुम लोग नाश्ता करके कॉल नहीं करते हो हैं? ऐसी बात नहीं है, वो मौसम की वजह से हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा परसों से मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया। ऐसे पता नहीं बार बार बारिश आ रही है, दिन रात बारिश बारिश, वो बार बार हम उठते हैं। ये जो तुम इतनी एफर्ट कर रही हो ना, बात हमें एक भी नहीं समझ आ रही। अब दोबारा शुरू करो क्या, यहाँ दोबारा कॉल करो आप लोग। मुझे लगता है आपको आवाज आ रही है। अरे तुम हो ओके, हाँ आ रही है, बोलो। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके मेहमान जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो भी करें मेरी नेक तमन्ना है, दुआएं उनके साथ है। हम लोग गांव में रहते हैं और जबकि मैं खुद एमए कर चुकी हूँ और कोई जॉब वगैरह नहीं है, अगर जॉब वगैरह है तो सिर्फ वो प्राइवेट स्कूल वगैरह में, खुद उनका निजाम इतना बुरा। ये लोग जॉब के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो मैं ऑन एयर पूछ लेती हूँ इनसे, आगे कर लें तो पता नहीं। वैसे अभी तो मुझे इनकी गुफ्तगू से ऐसा नहीं लगा, लेकिन शायद आगे कर लें, जब इनको जरूरत होगी तो कर ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। आप बताइए कोई सक्सेस स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी जो कॉलर आई हैं उनके हवाले से बात करूंगी। मैं अगर अपने हवाले से बात करूँ, निकिता के हवाले से बात करूँ, औरतों हम जैसे लोगों को भी, जो हम लोग बाहर निकलते हैं पढ़ाई के अलावा और काम करते हैं, हमें भी डिफिकल्टीज आते हैं, मतलब इतना ईजी पास नहीं होता। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, वेन आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, तो जो है आई स्टिल रिमेम्बर, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी एंड जो इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने बोला यूर 18 ईयर्स ओल्ड, आप क्यों आई हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, क्या डू यू नीड मनी? तो ये एक कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी का, कराची में रहते हुए भी हमें ये हमें कंसेप्ट सुनने को मिलता है कैसा, अगर इफ यू वर्किंग दैट मीन्स यू नीड मनी, ऐसे नहीं होता समटाइम्स। अच्छा, इसके आप क्यों वर्क करते हैं, आप क्यों काम करना चाहते हैं अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो? वैसे ये मैं नहीं कह रही कि नहीं इसीलिए काम करना चाहती हूँ, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, मतलब इफ यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स और एनीथिंग एल्स, तो आप एक डिपेंडेंट फॉर इंडिपेंडेंस के लिए आप करना चाहते हैं। तो 10 चीजें अगर आपके अपने पैसे होते हैं, जैसे एमएनस की बात हुई, अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा हम मुझे अम्मी अबू से पैसे चाहिए, इफ आई हैव माई मनी सारे पैसे यहीं लुटा दूंगी, इसीलिए जॉब नहीं मिल रही है। मिली जॉब नहीं मिली? जी जी मिली। ओके, मिल गई। तो आई वॉज पढ़ाई भी करी, जॉब भी करी और ये नेशनल पंचायत भी करी, सब लाइक छोटा पार्ट टाइम था, बट हाँ, तो हम लोग भी अपना पढ़ाई के साथ साथ जॉब मैनेज कर रहे होते थे, तो हमें भी डिफिकल्टीज होती थी, लोग पूछते थे क्या जरूरत है मतलब जाने, इवन अपने जो अपनी क्लास में। अच्छा, ये हो गया, तुमने सक्सेस स्टोरी नहीं बताई, अब मैं वो बाद में पूछूंगी, क्योंकि गुल साहब की कॉल है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी गुल, कैसी है आपकी, क्या हाल है, कैसी है आप? मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब ये कोई प्यारा सा सवाल करो। बहुत ज्यादा प्यारी आप लगती हैं। सवाल आपने यही करना है कि ये लोग अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं और हमें तो इस तरह का माहौल है कि घर में बोलने की भी ज्यादातर मिशन नहीं मिलती, तो हम तो पढ़ने के बावजूद और कुछ नहीं करते थे। ठीक है, हम इस पर ऑनियर बात करते हैं और आप सुनना जरूर ऑनियर, क्योंकि बहुत सी चीजें जिंदगी में आपको उस वक्त अवेलेबल नहीं होती जब आपकी एज के दूसरे लोगों को अवेलेबल होती हैं।
लेकिन आपकी अपनी जिंदगी है, अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में कभी ना कभी आप उस लेवल पर जरूर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बल्कि अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम और करीम है, वो इंसान की नीयतें जानता है, और कभी कभी आपको उस सोच से बहुत ज्यादा बढ़कर मिल जाता है, आपको उस तरक्की या कामयाबी या कामरानी से ज्यादा बढ़कर मिल जाता है जो आपने कभी फैंटेसाइज किया होता है। तो यू जस्ट हैव टू गो फॉरवर्ड, वर्क हार्ड एंड एक्सपेक्ट द रिजल्ट, नॉट फ्रॉम पीपल अराउंड यू बल्कि जो ऊपर जात मौजूद है। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और हमारे साथ बात कर रहा हूँ फ्रॉम हरुणाबाद। आबिद साहब जी। आबिद साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। लेकिन मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात कहना चाहता हूँ। काइंडली कभी ऐसी पर्सनैलिटी भी बुलाइए कि जो औरत को पर्दे के बारे में आपका कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, मैंने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम जरूर ऐसा प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ आप जैसे हमारे जितने भी भाई हैं वो दुनिया की सारी चीजों को छोड़ के ना इसी पे प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो हम जरूर करेंगे आपकी तसल्ली और तशफी के लिए ये प्रोग्राम हम जरूर करेंगे। हाँ जी, अब जरा सक्सेस स्टोरी इन्होंने तो नहीं बताई, लेकिन उसके आउटकम क्या हुआ जो आपने इतने लोगों के लिए काम किया? अगर बहुत छोटी बात करूँ, क्योंकि पहले ही मैं बन अल्फाजों में एक ताना सुन चुका हूँ लंबी बात का। अच्छा, एक पोएट्री सुना दें पहले, चलिए फॉर अ चेंज, और उसके बाद आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये हमारी तरफ से कि मौसम मेरा कोई भी नहीं इस जमीन पर, मौसम मेरा कोई नहीं इस जमीन पर, इस जमीन पर आबो हवा के साथ हूँ तुम किसके साथ हो? ओहो, मुझसे पूछा? नहीं, मैं भी आबो हवा के साथ ही हूँ। ओके, तो आउटकम ये था कि बहुत मुख्तसर बात में मैं ये कहूँ कि अगर इस शहर में पहले 100 आवाजें थी जो इस शहर के मसाइल या इस मुल्क के मसाइल एड्रेस करती थी, तो नेशनल पंचायत जो कि एक पहला कदम था, उसके बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अब उन आवाजों में 50 आवाजों का इजाफा हो चुका है, वो 150 आवाजें हो चुकी हैं। तो ये हमारा पहला कदम था। और तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो जैसे खुदा न खास्ता आगे कोई रैली निकालने वाले हो, हम 50 आवाजें थी अब हम 150 आवाजें हो गई हैं, अब हम ये करें, ऐसे तो कोई प्लान नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन प्लान ये जरूर है कि इंशाल्लाह हम ग्रास रूट लेवल तक जरूर जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। जहाँ जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते या नहीं जा पा रहे मुश्किलात की वजह से, हमने ये सोचा है कि हर मुमकिन हद तक हमारी कोशिश होगी और इसे हम यकीनी बनाएंगे कि हम उस लेवल तक जाएं और उसको वो मौके फराहम करें। तो इंशाल्लाह हम ये जरूर कह सकते हैं कि कामयाबी नाकामी का जो है पैमाना कोई नहीं होता, लेकिन इतना जरूर पता होता है कि हमारे पास एक मकसद था, वो मकसद था नेशनल पंचायत करानी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इस तरह की इवेंट्स नहीं देखे, हमने कराई, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमारी कामयाबी थी, ये हमारी अचीवमेंट थी। अब मजीद जो है वो इंशाल्लाह आगे जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, और ये आप कह रहे हैं आगे होगा जो देखा जाएगा। आपने सेट गोल्स बनाए हुए होंगे, 3 दिन बाद ये गोल अचीव होना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी लग रही है मुझे आपको। ऐसा ये सारे बहुत दुख तो नहीं देते आप लोगों को? नहीं, सबसे ज्यादा ये 4 लोगों में दुख कौन देता है बता दो निकिता। खुद ही दुखी दे दुख दे रही है, उससे सवाल किया है। यहाँ बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो यहाँ मौजूद नहीं है उनका एक बहुत बड़ा किरदार था, जुहेब आजम जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे, मोहसिन शेख ट्रेजरार थे हमारे, शेख ताकिब अहमद। ट्रेजरार की ड्यूटी थी कोई पैसे थे आप? खाली खजाने का मालिक था, लेकिन उसे दीगर काम बहुत थे। शेख ताकिब अहमद शाहजहान, इन लोगों ने बहुत काम किया, साल का सायमा यासर, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ। सब ने बहुत ज्यादा बहुत जबरदस्त काम किया। क्या बात है, सबने जबरदस्त काम किया। रजिया, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी एक बड़ी पोस्ट होती है और वेलफेयर के कामों में और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो जनरल सेक्रेटरी की होती है, राइट? तो आप अपनी इस पोजीशन से और क्या समझते हैं कि आप फायदा लोगों को पहुंचा सकते हैं या स्टूडेंट्स को पहुंचा सकते हैं, या आपके जो प्लान का हिस्सा है जो अभी तक आप जिस पे प्रैक्टिकली नजरसानी नहीं कर पाए? बेसिकली हमारे जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी सबसे अहम पोस्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल की होती है, क्योंकि उसका काम होता है सेक्रेटेरिएट बनाना, क्योंकि जो डिफरेंट कमिटीज हम बनाते हैं उसके कुछ ना कुछ कमेटी डायरेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट कमेटी डायरेक्टर्स होते हैं जो उनको जज करते हैं और उनको सिखाते हैं प्रोसीडिंग कि किस तरह उनको आगे चलना है। तो उनको बुलाना, इन्वाइट करना और ये मेक श्योर करना कि वो लोग 3 दिन आएंगे, क्योंकि आप 2 जजेस बुला रहे हो
वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो अपनी जॉब छोड़कर आते हैं या छुट्टी लेकर आते हैं इस तरह। तो सबसे जो अहम काम था वो यही था कि अगर आप एकेडमिकली स्ट्रांग करना चाह रहे हो अपनी कॉन्फ्रेंस को, तो आप ऐसा सेक्रेटेरिएट बनाओ जो कि आ भी सके और इतना क्वालिफाइड हो और इतना वेल नोन हो कि डेलीगेट भी आकर ये ना समझे कि अगर मैं फ्री की कॉन्फ्रेंस में गया और अगर मैं 5,000 की कॉन्फ्रेंस में गया तो उसमें फर्क था, ऐसा नहीं था। जो अच्छा, ये दिल में वही 5,000 वाला जो दुख है ना, वो तुम लोगों को कहां से कहां ले आया देखो, है ना। एक okay. और एक जो आपने सक्सेस स्टोरी की बात की उसमें मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि जो मुझे जो सक्सेस स्टोरी इस इवेंट के लगी वो ये थी कि जब एक पार्टिसिपेंट हमारे पास फाटा से आया, फाटा वो एरिया है जहाँ पर आईन पाकिस्तान पढ़ाया भी नहीं जाता, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, डिफरेंट मसाइल हैं, जो जिरगों का इश्यू है वो सब चीजें। तो वो पार्टिसिपेंट अगर पार्टिसिपेट करने आया और उसने पाकिस्तान को स्टडी किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, तो मैं समझूंगा वो हमारे इवेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ओके वेरी गुड। मैं लड़कियों के बारे में तुम लोगों से जानना चाहूंगी, एक एक तो बताओ कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी हो, कोई ऐसी लड़की से आप लोग मिले हो कि आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन कॉलर के बाद, और खुदारा पिछले कॉलर की बात ना करना, अपने सवाल के जवाब पे स्टिक रहना। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम बाबर साहब, और कॉल ड्रॉप हो गई जी। अच्छा, हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल से रिप्रेजेंटेशन थी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मोस्टली लड़कियां ही थी, मतलब okay. हमारे पास लड़कों की भी डेलीगेशन थी, बट अगर मैं कंपेयर करूं परसेंटेज को तो लड़कियां ज्यादा थी एंड दे वर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू स्पीक। अगर जैसे उनको पहली दफा कोई प्लेटफॉर्म मिला, मैं डर रही हूं, शौक होता है हाँ, तो वो डर नहीं रही थी बोलते हुए, मतलब उनको एक चीज समझ आ रही थी। वो तीनों दिन उनकी जितनी पार्टिसिपेशन थी वो एक बिल्कुल आम इंसान की तरह थी, और मतलब मुझे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा था ये किसी और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे, एंड दैट वाज द सक्सेस फॉर अस। जो हम चीज करना चाह रहे थे या करवाना चाह रहे थे। अच्छा, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं बिकॉज हमें ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका कॉल है। अस्सलाम वालेकुम हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सयाम हुसैन है जी। सयाम साहब जी, क्या मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ और ये बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और कैनेडियन भी हूँ। मैं चाहूंगा कि ये बच्चे अपने अपग्रेडेशन के लिए मुझसे रब्ता करना चाहें या रहनमाई चाहें, अमेरिका जैसे बच्चे जाना चाहते हैं। उसके अलावा मेरे पिछले दिनों इंटरव्यू लिए थे बच्चों के मैथ इंजीनियरिंग शिक्षण की अमेरिका की कंपनी के लिए, तो एनडीएन बच्चे जो हैं उसमें बड़ा मुझे लगा कि इनको मजीद एडवांस ट्रेनिंग की या खाली बुक जो है ये समझने का प्रॉब्लम है इनको। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चे इस सिलसिले में जैसे आपसे रब्ता करना चाहें, बच्चों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो ऐसे पढ़ते हैं कि उनको बाद में जरूरत नहीं होती है किसी किस्म की जॉब ही देखिए। ठीक है, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में पैनल पे छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, थैंक यू। और डिटेल्स आप छोड़ दीजिए, वो हम इनको पास ऑन कर देंगे अगर इनको जरूरत हुई तो जरूर। आज तो भाई अमेरिका तक आपकी गूंज पहुंच गई, आपकी आवाज जो आपने कहा 50 लोग 70 लोगों तक, ये तो अमेरिका तक पहुंच गई है। आवाज में असर था आपकी ज्यादा समझ आपने तारुफ है और अच्छा आवाज में असर था, आवाज में असर था आपकी, और फिर इतनी ज्यादा इल्तिजा थी कि शायद वो वहाँ बैठ के रह नहीं सके। और मेरे ख्याल में वो जो भी इदारा जहाँ से आप मुंसलिक होते हैं, जैसे उन्होंने बार बार एनईडी की बात की, तो वो एक अफिलिएशन या एक मोहब्बत होती है। और इंटरव्यूज की जो बात कर रहे थे यही था कि हम अपने मुल्क में भी ये सुनते हैं कि लम्स का अगर बच्चा है तो उसकी जॉब फौरन लग जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लम्स बजाते इदारा किसी की जॉब नहीं लगवाता, लेकिन उसमें क्या होता है उसको कैपेबिलिटीज और उसको सिखाया जाता है कि इंटरव्यू में बैठना है तो किस साइड से बैठना है, किस साइड से उठना है, और उसको जो अपने साइकेट्रिस्ट के जो इंटरव्यू होता है वो किस तरह देना है। तो यही फर्क होता है कि आप कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाई जाती है। तो आप लोगों ने ये कैसे डिराइव की, मतलब आपने इसका कोई एक कोर्स बनाया है, कोई आउटलाइन बनाई है जिसके तहत आप ये प्रोग्राम लेकर चलते हैं, और क्योंकि आपका मकसद है कि आप ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे और उनको उस लेवल पर लाना, उनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करना, या उनकी तकरीर को, उनकी आवाज को, उनकी गुफ्तगू को एक मयारी गुफ्तगू बनाना, उसके लिए आप लोगों ने कोई आउटलाइन डिजाइन की हुई है, कोई कोर्स नुमा चीज है जो आप उन्हें करवाते हैं?
हैं बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल्स के जो डिफरेंट मोड्स है ना वो तो ऑलरेडी सेट हैं, जैसे डिक्लेमेशन डिबेट्स हो गए, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो गई, मॉडर्नाइजेशन हो गई या प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, वो ऑलरेडी सेट है। बस उसको करना ये है कि उसको डिफरेंट लेवल तक हमें लेकर जाना है, okay. उसको हमें महदूद नहीं रखना। बस जो डिफरेंट इदारे हैं जो इस चीज को फोकस नहीं करते उनको हमें अर्ज करना है, हमें प्राइवेटली भी ऑर्गेनाइज करवानी है चीजें, ताकि वो आज क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। हम एक चीज सुनते हैं कि हमारे इदारे में भी और डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये है कि आप एक चीज जो इंटर बोर्ड से हम देखते आ रहे हैं कि आप रट्टा लगाएं और आप जो पेपर दें और अच्छे नंबर ले लें। बेसिकली दुनिया में ये एक टाइप है इंटेलिजेंस का और इस तरह की 11 टाइप्स हैं जो इंटेलिजेंस के डिफरेंट इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं जाते। आपने आपको कैसे पता चला? मैंने पढ़ा है। अच्छा, वो 5000 वाले में? नहीं नहीं, हमने क्या उसके अलावा उसके अलावा इस तरीके से। ओके, बाबर साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? ठीक है जी, ठीक ठाक। मैंने बस आपकी तारीफ करने के लिए कॉल किया है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं था वैसे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें। फौजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे इनसे क्वेश्चन करना है आपसे, जो है अभी मेरी बेटी है अभी एक क्लास में है, अगर अभी या आइंदा कभी अगर मैं इनको ये ज्वाइन करवाना चाहूँ जो इनका पैनल में गेस्ट आए हैं आपके, तो मैं किस तरह से इन तक पहुँच सकती हूँ? कोई एड्रेस या कोई मतलब कॉन्टेक्ट नंबर है इनके या क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत इत्मीनान महसूस हुआ आपकी कॉल लेने के बाद, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट सवाल है जी। हाँ, इसकी जो मेंबरशिप और जो टीम ज्वाइन करने का होता है वो ईयरली होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें हम ये मेंबरशिप अपनी ओपन करते हैं। ये जो अपडेट अगर रहना चाहती है तो हमारा फेसबुक पेज है यंग डेमोक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, उसमें सब चीजें आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो। जो हमारी वेबसाइट है वो इन मेकिंग है, जैसे ही वो वेबसाइट बन जाएगी तो उसको भी हम पब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे हमारे साथ एक कॉलर थे अमेरिका से और उन्होंने कहा कि जी मैं अगर मुझसे कोई इस्तेफादा चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, इस तरह और भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में, आपके प्रोफेसर्स होंगे, हाईलाइटेड लोग होंगे, मुख्तलिफ लीडर्स होंगे या प्रोफेशनल्स होंगे, अगर वो समझते हैं कि वो आपको ज्वाइन करें, या आपने सोचा है कि उनके लेक्चर्स या उनकी कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? यंग कर भी चुके हैं, सोचा नहीं सिर्फ कि हमारे वो तो आपने एज गेस्ट मेरे ख्याल नहीं, नहीं नहीं हमने okay. इस इवेंट में नेशनल पंचायत में 3 लोग थे जो जिन्हें हमने सरपंच बनाया था। अच्छा, आबिद अली खान साहब थे जो कि एक बहुत ही मशहूर नाम भी हैं और एक बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, वो थे रिजवान जहरी साहब थे और अब्दुल्ला जमाल थे। हमने इनके मुख्तलिफ किसी एवेन्यू में या किसी भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस में इस तरह के इंटेलेक्चुअल सेशंस नहीं होते, हमने पहली बार कराए वहाँ पर बच्चों को बताने के लिए, कम से कम अगर वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ गैर मुनकसिम इंतजामी तकसीम है तो असल में वो है क्या। एक बच्चा है, मुझे आपने कहा कि कल आपने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है, उसका टॉपिक है ये, और मैं जाके फिर यही देख रहा होता हूँ कि ये बोल क्या रहे हैं, तो हमने उसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा okay. कि उनको बताएं कि ये टॉपिक है क्या, इस पे क्या चीजें डिस्कस होंगी, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको और मुझे पता ही नहीं है कि ये भी एक गैर मुनकसिम तकसीम है। मुनकसिम तकसीम, पहले तो मुनकसिम बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, उसके बाद तकसीम और उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर असमत की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू कि आपका डिफरेंट टॉपिक आप लेके आते हो, जितने इंटेलिजेंटली आप सवाल करते हो बच्चों से, आई रियली जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। टीम से हट के डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट मतलब बच्चों का आज आप लेके आ रहे हो, तो अमेजिंग टू हियर देम ना, मतलब मजा आ रहा है। थैंक यू। दिस इज व्हाट वी रियली नीड के मॉर्निंग शोज में इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स आए, डिफरेंट ये करें। एंड कमिंग फ्रॉम यू डॉक्टर साहिबा इज एन ऑनर फॉर अस। आपकी तरह के इंटेलिजेंट और इतना सोचने समझने वाला कॉलर कॉल करते हैं फ्रॉम द अदर होस्ट ना, दैट थिंग इज रियली गुड। बहुत इंटेलिजेंटली आप क्वेश्चन पुट अप करते हो ना, दैट मेक्स मी कि मैं आपको कॉल करूँ, आई अप्रिशिएट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इट मीन्स लोड्स टू मी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो ये अप्रिसिएशन हम सबकी हो गई है काफी। आज तो तुम लोग घर जाके वेइंग मशीन पे खड़े हो ना और देखना कि कितना वेट बढ़ा लिया है ना। वाजिद अली की कॉल के बाद मुझे निकिता की तरफ आना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी वाजिद साहब, आप ऑनियर हैं, कैसे हैं आप? शुक्रिया, मेरा ठीक है। आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी, और मेरे ख्याल में आपको मैं दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच। क्या आप लोगों ने, ये बड़ी अच्छी बातें हैं, क्या आप लोग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ जा रहे हैं और इस तरह की चीजें हैं जो आप हमारे यहाँ के बच्चों को सिखाना चाहते हैं या थोड़ा सा आशना कराना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ हमारे बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं। आपसे शुरुआत करते हैं और फिर मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब बड़ा भरपूर देंगे और इत्मीनान बख्श देंगे। आप ही की तरह के यंगस्टर्स बहुत अग्रेसिव होते जा रहे हैं, आई एम सो सॉरी, लेकिन बदतमीज होते जा रहे हैं, और भी बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज हैं, और आपकी एज से ही शुरू होकर और मेरे ख्याल में आपकी एज तक पहुंचने का टाइम जो है उसके लिए खुसूसी तौर पे माँ बाप हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रोग्राम्स रखें, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस बारे में कोई चीज सोची है आप लोगों ने? आपसे शुरू करते हैं, एंड देन रजी विल आंसर। नहीं, ये राइट कि हाँ, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माय एज और बाय तक वो बहुत मतलब एक क्रूशियल इयर्स होते हैं कि जिसमें परवरिश होती है एंड दे टीच यू व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। सो यू कुड से यू नो लर्निंग अबाउट योर कंट्री इज आल्सो अ पार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको कुछ नहीं पता पाकिस्तान के बारे में या कुछ भी, तो यू नो देर आर लूप होल, वी हैव टू अग्री विद दैट। अच्छा, आप लोगों के साथ बिहेवियरल इश्यूज हैं, अग्रेशन के इश्यूज हैं, ये मानती हैं आप? आई अग्री विद दैट, आई एम वन ऑफ दोज यू नो चिल्ड्रन। ये तो खुद केस बैठा हुआ है। आई नो, हमारे लिए जब भी मीटिंग होती थी पंचायत की, कॉल आती थी कि निकिता नॉर्थ आना है, तो आई यूज टू बी द फर्स्ट वन, यूज टू बी लाइक यार मम्मा क्या बोलेंगी, एंड देन ऑब्वियसली ऑन द वे बैक इट गेट्स लेट। सो फॉर बीइंग अ गर्ल इन सच अ सोसाइटी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट योर फैमिली इज ओपन माइंडेड, एक आपके इश्यूज हैं, ऑब्वियसली लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, ये तो इन्होंने अपने सिनेरियो में बताया, लेकिन इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए कि क्या इन चीजों की तरबियत या इस पे बात करने के लिए भी आप लोगों ने कुछ सोच रखा है? कॉलर के बाद आपने बताना है। जहांगीर साहब ने खानेवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं जी? मेरा आपसे पार्टिसिपेंट से सवाल है। हाँ जी, जो काम ये कर रहे हैं यकीनन वो अच्छा काम है, तो जहरी बात है इंसान को कुछ स्टूडेंट की उम्र में कुछ कमी महसूस होती है, तो आप इस तरह के कामों में आते हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ कि मुआशरे में ऐसा क्या था जिसकी आपको कमी महसूस हुई कि आपने अपने आप को उस फील्ड में लाना चाहा, ताकि वो कमी आप दूसरों में देखें तो उसको दूर कर सकें और अपना पैगाम वहां तक पहुंचा सकें, और क्या आप उसमें इतने कामयाब हुए जितने रिस्पॉन्स आप तो कर रहे थे? ठीक है जी, बड़ा कोई मतलब इस पे समरी लिख के लाएंगे ये लोग चारों, समरी वाला सवाल था ये, मैं इंटरमीडिएट वाला जी। जैसे पहले आपने बात की अग्रेशन की और ये सब चीजें, उसको कैसे हम ओवरकम कर रहे हैं, बेसिकली इस टाइप की जो कॉन्फ्रेंस है ना, वो आपको सिखाती ही कुव्वत बर्दाश्त है। अरे, जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, जाहिर सी बात है आपके ओपोजिशन भी है और आपके फेवर में लोग भी हैं, ये जिस सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं। अब अगर कोई पार्टिसिपेंट एक मिनट खड़े होकर बोल रहा है, तो वो एक मिनट जब तक उसका खत्म नहीं हो जाएगा आप बीच में नहीं बोल सकते, चाहे आप उसने आपको कितना ही बुरा कहा है, कोई भी आपको उसने आप कुछ भी आपके खिलाफ बात की, आप नहीं बोल सकते, आप सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं या अंदर ही अंदर गुस्सा हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारे माशरे में वो है ना, हम जो है तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, हम तनकीद हजम नहीं करते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम बहुत अग्रेसिव हैं, हम कुछ सुन के फौरन उस पर रिएक्ट करते हैं। तो इस टाइप की कॉन्फ्रेंस आपको सिखाती है कि किस तरह तनकीद को बर्दाश्त करके उसको फील करके किस तरह आपको पॉजिटिव उसका रिप्लाई देना है, किस तरह आपको अगर किसी ने आपका नेगेटिव फेस दिखाया तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट आपको किस तरह करना। अच्छा, अगर घर में ऐसा हो जाए कोई भाई कजन बड़ा कोई भी आपके साथ ये करे, तो आप लोग इसी तरह एक मिनट या दो मिनट उसकी बात सुनते हैं और फिर अपनी बारी का इंतजार करते हैं? अब तो ऐसा हो गया है कि आप अब ऐसा हो गया, मैं फोन करके मालूम कर लूंगी। हाँ, सही सही बताएं, सच सच, बिल्कुल सच, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया कि वो पहले बात कर लें, ठीक है, उसके बाद दलील, उसके बाद है, लेकिन जीतने हाँ। नहीं देना किसी को, जीतना आपने आप लोग, मुझे नहीं लग रहा लड़कियों ने ये अपने अंदर उजागर नहीं किया है, वैसे तो आपने भी नहीं किया है, है ना, नहीं किया है ना, आप तो बहस दर बहस कर रहे होंगे घर में, या अम्मी को फोन मिलवा, नहीं हाँ मिलवा सकती, लेकिन मैं बहस दर बहस नहीं करता, लेकिन हाँ जिस बात पे बनती है उस पर करता हूँ, तो यही तो, लेकिन एक वो होता है ना कि कुछ हासिल नहीं है लेकिन लगे हुए, बहस करनी है उसकी मुखालफत करनी है, उसमें लगे हुए, बिल्कुल ये चलो ठीक है किसी हद तक। और आप दोनों
कभी कभी होता है आपके चीजें नहीं एक्सेप्ट हो रही होती है, लेकिन सामने वाला उस पोजिशन पर नहीं खड़ा हुआ होता जहाँ पे आप खड़े होते। अग्रेशन कितना है आप सच्ची 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 मतलब बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा। तो अगली आप लोगों की कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये नेशनल पंचायत, ये जो हमारा नेशनल मसला बनता जा रहा है ना दिमागी, इस पे होनी चाहिए। लेकिन हम दूसरे की पोजीशन पर रख के अपने आप को देखेंगे ना, माइक भी अगर फाइल से बात कर रहा है माइक भी वो ठीक हो, लेकिन मैं क्योंकि दूर से देख रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर मैं उसके पोजीशन में स्टैंड करके देखूंगी तो मुझे वो बात ठीक लगी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, और मुझे तो कभी कभी लगता है जब मैं बाद में चीजें सुनती हूँ, एक की सुनो तो लगता है वो सही है, दूसरे की सुनो तो लगता है वो सही है, मुझे लगता है कि सब सही है, लेकिन एक्चुअली हमारा हम जिस फ्रेम ऑफ माइंड में किसी की बात सुन रहे होते हैं हमें शायद वो समझ नहीं आती या हम उसको इस तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन अपनी जगह होता हर कोई सही है ज्यादातर लोग। जाते जाते एनी थिंग जो एक एक लाइन आप लोग कहना चाहें, आपसे शुरू करते हैं निकिता, हर मुश्किल सवाल आपसे जी जाते जाते एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू कंक्लूड कर दो। कंक्लूड अच्छा नहीं, ऑल आईड लाइक टू से कि पंचायत हम लोग करवाते रहेंगे एवरी ईयर वेदर आई एम अ पार्ट ऑफ इट और नॉट। I believe it should go on because Inshallah, even okay. when we called up the dais, the chairs, when I contacted Mohammed Shoaib, the chair, he only came for one reason and he said it to my face that I was really impressed with the motive that you guys have. Hmm. Because hamare matlab likha hua tha ki nurturing those who were rejected. Right? Oh, so, okay. There are matlab MUNs, we're not saying wo galat hai. But we're saying is, you know, let's give them a chance who've never been on a platform. And you give them a chance to speak. Yeah. At the end, okay? G5, only one line. मुझे ये खाके वतन मुझको एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। अरे वाह, ए खाके वतन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। चश्मा यहीं से निकलेगा, क्या बात है जी। बहुत मुख्तसर के चीजें उसी वक्त बेहतर हो जाएंगी जब हम सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से हम पॉजिटिविटी का आगाज कर दें। तब्दीली कहीं कभी भी अगर ऊपर से नहीं आ रही तो हमें अपनी कैपेसिटी में रहकर करना होगा, और आखिर में यही कि जो ये पूरा मोटिव था कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। ओहो, ये वो नहीं है जिन्हें जमाना बना गया है, ये खुद बनेंगे। ओके हाँ। बस इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक चीज जिसने हमें सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, कुछ भी किया, उन सबका बहुत थैंक यू अदा करना चाहूंगी। और हाँ, पंचायत होती रहेगी, बस एक बात, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जिन्नतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, हम तुलू हो चुके हैं तू गुरूब होने वाला। वाह भाई वाह, और इसमें भी क्या तुमने अपनी सेहत के बारे में सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो मैं इस सरप्राइज के साथ और इस मतलब इतनी क्या बात कर दी कि सेहत से, अब तो मुझे शो खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच आप लोग यहाँ आए, आप लोगों के होने से हमें एनर्जी मिलती है, ऑब्वियसली अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मैं ऐसे लोगों से बात करती हूँ जिनमें बोलने की सलाहियत होती है, कुछ सोचने की सलाहियत होती है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोफेशनल वेंचर्स फॉर दिस नेशनल पंचायत, आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें, और लोगों की जिंदगियों में डिफरेंस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी नेकी है आपके शौक के साथ, आपके काम के साथ, एंड उसके लिए भी हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इसी तरह हमसे कनेक्टेड रहिए, सवाल और सोच समझ के भरपूर वाले अच्छे वाले गेस्ट से किया करें। सब अपना अपना ख्याल रखिए। कराची वाले, बारिश हो रही है कि नहीं बाहर? अभी पता नहीं है, अभी हम बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।